फेस्टिवल में जहां 200 फिल्में थी, मुझे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। ओहो, बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड मिला और इसके अलावा बेस्ट फिल्म का अवार्ड। और मैंने दो अवार्ड्स जो हैं अभी जीते दिल्ली फिल्म फेस्टिवल में। और एक और पाकिस्तान के लिए एजाज की बात है कि ये फिल्म जा रही है कैंस फिल्म फेस्टिवल में। कांस में भी जा रही है? वाह, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। तो इंशाल्लाह ताला ऑस्कर में भी कोशिश है। अभी दो ऑस्कर तो ले लिए पाकिस्तान ने, इंशाल्लाह हम भी कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, आप इंशाल्लाह आपको साउथ बनाएंगे ऑस्कर तो और कौन लाएगा। हमारी कोशिश तो है कि क्यों नहीं। बिल्कुल, मैंने भी अभी एक फिल्म की थी, उसमें मुझे एक अवार्ड मिला था। ये तारिक रोड पे मिला, एक 1000 रुपये का लिया मैंने। फिर मैंने एक वहाँ से सदर से लिया, दो अवार्ड मिले मुझे। दो मिल गए, महंगे पड़े लेकिन ले। तीन चार अवार्ड लेना चाह रहा हूँ भाई। आजकल तो ऐसे ही हो रहा है। नहीं नहीं, साउथ को बहुत अवार्ड्स मिले हैं। हमें तो माशाल्लाह खिलौना के मिला है। हसन असकरी की जो फिल्म थी, और दिल किसी का दोस्त नहीं। हाँ, दिल किसी का दोस्त नहीं। और साउथ ने बहुत बेहतरीन काम किया पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री। बिल्कुल, थैंक यू। और बहुत सारे बहुत अवार्ड्स, इसलिए सॉरी कर रहा हूँ, बिकॉज हम दोनों जरा बहुत अच्छे दोस्त हैं। हाँ, हमारी फ्रेंडनेस जरा कुछ और होगी। बल्कि मीरा जी के साथ मैं उतना फ्री नहीं हो सकता। मीरा जी क्या करूँगा, बहुत अच्छे दोस्त हैं। मुझे खुशी हुई जब शो से पहले मीरा ने बताया कि आपके शो में आ रही हैं, तो मैंने कहा आप भी आ रही थी। हाँ, मुझे कह लेंगे अभी फैसल बुखारी का शो है, तो मैं बड़ा खुश हुआ कि माशा तुम्हारे शो फैसल कुरैशी कुरैशी बुखारी हो। हाँ। क्या हो गया तुझे यार? फैसल कुरैशी है सब। नहीं, सऊद गलत नाम ले रहा है। अच्छा, मुझे वो मजाक कर रहे हैं। फिल्म तो मैं बता रही थी कि सऊद ने इतना अच्छा काम किया। हाँ। इन्होंने जितना भी काम किया और अभी भी कर रहे हैं माशाल्लाह फिल्म में। हाँ हाँ, तो और क्या बात होगी। सऊद, मैं फिल्म में ही आपकी तारीफ कर रही हूँ। आप फिल्म्स में ही ऑब्वियसली अभी हम प्लान कर रहे हैं। अच्छा जी, मुझे चले, ये फिल्म्स की बातें हम बाद में करेंगे। हाँ, हम बात करते हैं बिकॉज बहुत सारी खवातीन आपको देख रही हैं, सुन रही हैं। मीरा की सुबह कैसे होती है? मीरा की सुबह अच्छे कपड़ों से, एक्सरसाइज से, नमाज से, मोहब्बत से, प्यार से, सलाम से, दुआ से, आदाब से, और काम से, प्लानिंग से, मैनेजर तो की कॉल से। मीरा जी मैनेजर की कॉल, मम्मी की कॉल, बहनों की कॉल, माशाल्लाह 6 बहनें। ये इतना कुछ कितनी देर में मैनेज हो जाता है? बस सुबह सुबह सब सब कुछ, ये सारा कुछ 7-8 बजे तक पैक। मम्मी की कॉल, फिर अब्बू की कॉल, फिर बहनों की कॉल, और फिर बस। और अगर सुबह सुबह मूड खराब हो तो? मूड खराब नहीं होता। किसके साथ बुरा होता है? सारे घर वालों के साथ। ओहो, सऊद भाई अगर आपका मूड खराब हो सुबह सुबह तो आप क्या कर रहे होते? आपने मेरे पूछे नहीं मेरी सुबह कैसे होती है। वो तो पता है मुझे, मेरी सुबह ऐसी होती है। चाय लाओ, चाय लाओ, चाय लाओ, उसके बाद चाय लाओ। चली गई जवेरिया, चली गई। हाँ, चली गई, ठीक है, चाय ले। वो भी माशाल्लाह से सुबह सुबह निकल जाती है काम पे आपकी तरह, मुझे पता है ना। सोचो कितना सुकून होता होगा घर में। अच्छा, इंडस्ट्री में आने से पहले मीरा कैसी थी? जैसी हूँ ऐसी। हाँ। नहीं, होता है ना, मतलब आराम से बाजार में जाती होगी, घूमती फिरती होगी, कहीं भी जा सकती होगी। अब तो उस तरह मीरा निकल ही नहीं सकती ना, और ना कहीं इधर उधर आज़ादी के साथ घूम सकती है, या बुर्का करके निकल जाती हो तुम भी, हमारी बहुत सारी एक्ट्रेसेस की तरह। अगर आप सच पूछें तो होती है, किसी को पता ना चले। मुझे सच पूछें तो मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा, मुझे कुछ याद नहीं है बचपन का। अच्छा, मुझे सब कुछ अगर याद है, जो मेरी मुझे मेरी यादें हैं वो फिल्म इंडस्ट्री से हैं। फिल्म इंडस्ट्री। अच्छा। और मेरी जो बातें हैं, मैं फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ और थी और हमेशा रहूंगी। अल्लाह करे। लेकिन ये है कि बचपन की बातें, बचपन की बातें, उसके लिए आपको बुलाना पड़ेगा, अम्मी को बुलाना पड़ेगा। कौन सी पुरानी बात है तुम्हारी? नहीं नहीं, बिल्कुल। मैंने कहा उस शो के लिए अम्मी को, मेरी टीचर्स भी हैं, मेरी अम्मी हैं, बहनें हैं मेरी, भाई हैं, और फैमिली में मेरी और सारे फैमिली मेंबर्स, तो मेरी टीचर्स। मैं चाहती हूँ कि जिस तरह मैंने एक शो देखा आपका, जिस हुमायूं सईद वाला, हुमायूं सईद वाला, वो बहुत अच्छा शो था, बहुत अच्छा शो था। थैंक यू। तो हुमायूं भी जाते हुए आपकी बहुत तारीफ कर रहा था। हाँ। कह रहा था मीरा को बुलाओ, मीरा को बुलाओ। मैंने कहा मैं इतने मैसेजेस, इतने फोन कॉल्स आ रही हैं मीरा के लिए। बिल्कुल, मैंने मैसेज किया था, मैंने कहा आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन शो था। वाह वाह, आपने देखा था सब? यार मैं चैनल चेंज नहीं कर सकता उसका, नहीं मजबूरी है। अच्छा, तो
रात को रिपीट में देख लेते हैं। रिपीट में भी देखना पड़ता है, दो दफा देखता हूँ शो में। भाई यार ये जाती है वैसे, देखो थोड़ा सा दोस्तों का भी होता है यार। मैं YouTube पे देख लूंगा भाई, नहीं कहीं कोने में बैठ के YouTube पे भी मेरा ही शो देखो तुम, ये तो नहीं होता। नहीं मैं ऐसा सीन नहीं है, मजाक कर रहा हूं। अच्छा साउथ टोटली एक ऑपोजिट फैमिली फिल्म इंडस्ट्री से, बिल्कुल। क्या रिएक्शन था जब पता चला कि साउथ कासमी फिल्म इंडस्ट्री में आ रहा है, तो क्या रिएक्शन था? नहीं ऐसा कोई रिएक्शन नहीं था, हैं? ऐसा नहीं था। अच्छा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल है सर। ठीक है हाँ। काम को काम की तरह समझा हुआ है। नहीं सिंपल, जो इसकी सिंपल वर्ड ये है कि दीन और दुनिया दोनों लेके चलना है। ठीक है ना, आप एक्सट्रीमिज्म पे चले जाएं हाँ। दीन में, और ना आप दुनिया में एक्सट्रीमिज्म पे चले जाएं, दोनों को बैलेंस लेके चलें। ठीक है और यही होना चाहिए, अल्लाह ने जब दुनिया भेजा तो कुछ तो करना है। बिल्कुल हाँ, तो दीन दुनिया लेके चले। लेकिन कोई रिएक्शन नहीं आया मतलब, लेकिन पुराने रिश्तेदार तो निकल आए होंगे बहुत, और है ना वो तो बहुत। अरे तू तो भांजा है, तुझे पता ही नहीं है। है वो आए होंगे 5-6। नहीं नहीं हमारे तो जब माशाल्लाह से फैंस आ रहे हैं यार हमारे, देखो हर तरफ छाए हुए हैं। पी जाएं। अच्छा हाँ। सर आपके पास आइए कुछ दे दें ब्रेकफास्ट। जी बहुत क्या बनाया आपने, मैं एक मिनट आ रहा हूँ। तीनों के लिए जबरदस्त, मैं आपके किचन को रौनक बख्शूं। मेरा जी 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 आइए ना जरा, आपको किचन तक तो लेके चलें। किचन में, और मैं आपको बताऊं, मैंने इनका एक शो देखा था, कुकिंग शो, बहुत अच्छी कुकिंग की थी मीरा ने। अच्छा मीरा ने, यार मीरा आप हमारे शो पे कब बना रही हैं खाना? मैं खाना आए ना किचन के अंदर। अच्छा, लास्ट टाइम किचन में आप घर में कब गई थी ये बताइए। ट्राई करेंगे इसको। हाँ अच्छा मैं ये खाऊं, हम खा लेते हैं हम लोग। शेफ सादत का तो लोग बड़े, सादत भाई उंगली दूर, अचानक लाल नहीं हो गया? मैंने अपनी उंगलियां भी दूर कर ली हैं। अच्छा मैं इसको खाऊं? कोशिश करें। जी जी बिल्कुल, ये चाह रहे हैं कि मैं इसको खाऊं। मैं कोशिश करें। जी हां कोशिश करें। अच्छा मैं ट्राई करता हूं। माशाल्लाह मुश्किल काम है लेकिन हो जाए। ये तो कच्चा है अभी, क्यों खा लिया? नहीं नहीं पका हुआ है। नहीं नहीं इसमें बीमारी नहीं होती। सही है, वेरी टेस्टी। चीज है, चीज तो मोटा नहीं करेंगे ना आपको? नहीं मेरा को कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। नहीं मोटा नहीं। आज फैसल कुरैशी के शो में आए हैं तो। हां वैसे सुबह तो आप जूस से स्टार्ट करती है ना? हाँ जी बिल्कुल, जूसेस कैरेट का और एप्पल का। और अच्छा कैरेट का जूस निकालते हैं लोग? हाँ हाँ कैरेट और एप्पल मिक्स, बड़ा जबरदस्त जूस होता है सादत भाई। और मैं तो कहता हूँ लोगों को, सादत भाई ये क्या है? ये मैदा है। मैदा? ये मेरा, ये क्या? ये वो पिंक ग्रेप्स है मेरे ख्याल से। पिंक नहीं बत, वो है ना अंडा है क्या कहते हैं उसको, क्या है? व्हाट डू यू कॉल? यार इतना ड्रैग कर रहे हैं सादत भाई यार आप, सुबह सुबह चले आए बैठे। मैं आप ये लिस्ट है, चिकन नमक मैदा अंडे ये लें। चले तेल खा ले हम लोग। हाँ तो और क्या, ये आपके लिए है बॉस, ये लें। मैं कहाँ से लेंगे, कोई टेंशन नहीं। आप भी आप ट्राई करेंगे आपकी प्लेट? यस मैं मीरा जी मैं आपको दे रहा हूँ। हाँ मुझे सर्व करने थे। मैं काम करता हूँ, ये जी चिकन इजी काट के दे दूँ ताकि जरा। हाँ ताकि इजी हो खाना। हाँ हाँ प्लीज हैव अ सीट। मैं आपको सादत भाई के हाथ के खाने तो लोग इतनी शौक से खाते हैं, आपने सब पे चीज़ डाल दी ना ताकि मैं हाथ ही ना लगा सकूं। ये कोने वाला है ना सुबह चीज़ के हैं, इस कोने पे आप ये चीज़ को बैठाइए। स्टाइल देखें, वैसे ये नूडल्स के साथ मैंने फर्स्ट टाइम ये इनके साथ ये इस तरह से ट्राई करें, आपको बुरा नहीं लगेगा? आई एम सीरियस, आई एम श्योर नहीं लगेगा। थोड़ा बहुत तो आई थिंक गुंजाइश होगी ना? जी जी बिल्कुल, उसकी होती है, बिल्कुल होती है। आप प्लीज़ खाइए ये। अच्छा तुम्हारे लिए चीज़ में हेलो यार जी, मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, हमारे एक और मेहमान है जो आज ऑफ कैमरा। मैं दे देता हूँ यार, मतलब क्या आप दे दे ये, ये सिर्फ चेक करने आए जी, हजरत कैमरा लेकर मेरा जी। बड़ी मजे मजे की गेम्स हैं जो आज आपने हमारे साथ खेलनी है, और आप पार्टिसिपेट करेंगी पूरी तरह से, बिल्कुल, और आप खूब मस्तियां करेंगी, वो मस्तियां जो आज से पहले आपने किसी मॉर्निंग शो पे ना की हो। मैं बहुत ज्यादा आज मस्तियां करूंगी। आपके हाथ में खाना है? हाँ, आप झूठ नहीं बोलेंगी, वादा करें? हाँ, लेकिन एक टेलीविजन सीरियल करेंगे आप मेरे साथ? अरे बिल्कुल, एक क्या, मैं तो चार पांच एक आपके साथ काम करना है। हाँ बिल्कुल, एक मेरे साथ आप काम करें, छोटा सा काम बहुत अच्छा करते हैं। यह एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं, और इस वक्त जो जो इनकी इनका जो परफॉर्मेंस का मेयार है वो टेलीविजन में किसी और की अच्छा ये तो कॉम्पिटिशन गले लग जाए यार, लेकिन बहुत अच्छा। फैसल के लिए बहुत सारी तालियां, बहुत अच्छा। और
और मेरी जाती ख्वाहिश है कि मैं इनके साथ सीरियल करूं। बिल्कुल बस कर दो, मैं घर जाऊंगा। आज तो मैंने ऑन एयर कह दिया। हां ऑन एयर और लाइव कह दिया भाई, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, मैं जाऊं? हां हां चलो अच्छा थैंक यू। सॉरी छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक से वापस आते हैं। आई होप कि आप लोग कहीं नहीं जाने वाले, क्योंकि मीरा और सऊद आज मेरे साथ यहाँ पे बहुत मजे मजे की गेम्स खेलने वाले हैं। और गेम्स हैं, आपस में नहीं खेलने वाले, मेरे साथ खेलने वाले हैं। सो आई विल बी राइट बैक आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक। नई खुशियों के रंग लाई सुबह, नई उम्मीदें लाया दिन नया। कल बीत गया जो बीता क्या गिला, तू जी ले आज को जी भर के जरा। खुशी दे खुशी ले, ये लम्हे खुल के जी ले। भाई मीरा और सऊद के लिए बहुत सारी तालियां। काम है इतना कैची है फाखर भाई, आपने इतना अच्छा गाना बनाया कि एक सेकंड में डांस आता है। कुछ गाने होते हैं जिन पे डांस आता है, कुछ गाने होते हैं जिन पे चाह के भी डांस नहीं आ रहा होता, और हम यूं कर रहे होते हैं कि जल्दी से क्या करें। हाँ खत्म हो जाए बस, निकल आगे। सऊद तुम्हारा भी एक्सपीरियंस है, क्योंकि जब फिल्म हम लोग करते थे तब डबिंग होती थी, अब जरा सिंग साउंड आ गया तो डबिंग थोड़ी कम हो गई है। सो दिस गेम कुछ कहा क्या आप लोगों के लिए बड़ी आसान होगी, बिकॉज आप लोगों ने डबिंग की हुई है, आपने अपने आप को देखा, और आपने कई दफ़ा होता था कि साइड ट्रैक्स नहीं होते थे, गाइड ट्रैक्स नहीं होते थे, तो आपको सिर्फ अपना जुमला देख के पकड़ना पड़ता था कि अच्छा यहाँ ये बोला हुआ। अभी होगा ये कि आपके कानों पे होगा म्यूजिक बहुत लाउड, और आप हम लिप सिंक पकड़ेंगे कि क्या बोल रहे हैं। ठीक है, पहले मैं एक काम करता हूँ, सऊद भाई पहले मेरे साथ खेलेंगे, फिर मैं आपके साथ खेलूंगा, आप सऊद के साथ खेलेंगी, हम इसी तरह से खेलते रहेंगे और घर चले जाएंगे। ठीक है ठीक है, बहुत अच्छा आइडिया। अच्छा ऐसा तो नहीं खेलेंगे जैसे पाकिस्तान टीम खेली है? मैं क्या कह सकता हूँ भाई, अच्छा फिट खेलेंगे जिस तरह से खेल रहे हैं। अच्छा खैर, इस गेम का नाम है कुछ कहा क्या। जी जी, तो शुरू करते हैं अपना पहला गेम, और सऊद पहले मुझसे पूछेंगे, फिर मैं मीरा जी से पूछूंगा, मीरा जी सऊद जी से पूछेंगी, फिर सऊद जी, ये एक मिनट मैं ये पहन लूँ, ये मैं उतार दूँ ताकि आपको यकीन हो जाए कि मैं उनकी नहीं सुन रहा। पूछिए। मेमाड़ी कहें, मेमाड़ी कहें, बाबर भट्टी किमाड़ी, किमाड़ी दिमागी, की माड़ी, की माड़ी, के माड़ी, रीमाली। तो तू मुझे फंसवाएगा आज। की माड़ी, की माड़ी, के माड़ी, नहीं समझ आया सॉरी, की माड़ी, की माड़ी, हाँ रीमाली कहाँ से। मैं कह तुम क्या चाह रहे हो आज। मीरा जी आप कानों पे लगाएंगी ये, या मैं पहले सऊद भाई के साथ एक दफा और कर लूं? नहीं नहीं आप प्लीज सऊद के साथ करें पहले। हाँ प्लीज सऊद ये पहने जरा। ये अभी पूछता हूँ मैं, हमेशा बड़े ओफ। हाँ यही तो काम है। जी मीरा जी, जी पूछिए जरा सऊद से। कोई कौन पूछेगा? मीरा जी तुम? हाँ हाँ मैं पूछूंगी। कोई एक लफ्ज। अच्छा कुर्ती, कुर्ती। अरे लाइए 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 भाई, एक पॉइंट हो गया साउथ भाई का, याद रखिए एक पॉइंट हो गया। कुर्ती, वाह वाह मीरा जी ये पहनी है। अब मैं आपसे पूछूंगा। अच्छा मैं पूछूंगा, मैं पूछूंगा। भाई नहीं है, भाई नहीं है। और बता क्या कर रहा है आजकल? कुछ नहीं, पूछे ना पूछे। बहुत तंग करती है, है? टेंशन है बहुत बड़ी, बहुत बुरी ना है? नहीं नहीं क्यूट है। चले चले छोड़ चले, अबे लाइव में देख अच्छा, क्या कर रहा है भाई रिपीट पे, ये तो गलत सवाल। बंद करें बंद करें, सब सुन रही है। पूछूं बंदर वाला, बंदर वाला,
हंसो नहीं, बोलो तो सही। बंदर वाला, बंदर वाला, बंदर वाला। मुंह में घुस जाओ भाई। यूं है, ये देख, ये देख, आ गए। ये समझ में आ गई। बंदर ब म द द ब ब न न बंदर ब बंदर बती नहीं आती हमारी। नहीं 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 बंदर बन बंदर 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 हाँ बंदर। इतनी जोर से बोलोगे आगे? बंदर। आ बंदर लाए मेरा जी, आप मुझसे पूछे यार। अच्छा, बंदर पे, बंदर पे याद आया, आपके शो में रैम्बो को देखा था, अच्छा कर रहा था। अच्छा बंदर, हमारे मुल्क का बहुत बड़ा नाम है वो। बहुत मेरा जी पूछे जी, फरमाइए। अच्छा मैं पूछूं, सोच रही हूँ क्या पूछूं। काला पीला नीला, काला पानी, काला पीला नीला। क्या मीरा क्या मीरा नहीं 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 नहीं, नहीं। काला पीला नीला क्या पिया है? कॉफी पिया है सुबह से। एक मिनट मेरा गाना खत्म हो गया है, एक मिनट। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपकी आवाज सुन लूं। जी पूछिए। हाँ। खूबसूरत जिंदगी, खूबसूरत सिंगर। खूबसूरत सिंगर हमारे पास तो काशिफ है। अच्छा अच्छा चलिए ठीक है। हाँ। बराक ओबामा, बराक ओबामा। यार वैसे आप आधे घंटे में अगर पूछेंगे ये तो बेईमानी है। हाँ वो तो है, लेकिन वो इतने प्यार से पूछिए, दिल ही नहीं कर रहा मुझे इधर उधर करने का। ये भी था। हाँ। कसम से वो गाना सुन रहा हूँ ना तो इमेजिनेशन चल रही है, जब मीरा सामने यूं यूं कर रही है। हाँ। नहीं समझ सकते, साउंड कुछ था और पिक्चर कुछ थी। साउंड तुम इस बात को नहीं समझ सकते। अच्छा ठीक है मेरे दोस्त। अब मैं पूछूं? हाँ। मैं पूछता हूँ। मैं पूछूंगा तुम जी सर। अच्छा वैसे मीरा कोई एक लास्ट पूछना है और लाउड। हाँ। अच्छा तो यही तो काम है। जहर जहर तू जहर। हाँ अरे यार ये बड़ा तेज आदमी है भाई, ये वो वाला एक्टर है जो मुंह पलट के भी डबिंग कर दे। कसम से हमने वाकई ऐसी ऐसी मुश्किल तरीन काम किए हैं। हाँ। लोगों की नजर में तो नहीं पता इन लोगों को। हाँ। कि हमें स्क्रीन दे देते थे, उस पर पता नहीं हम क्या बोलते थे, उसके बाद फिर हमें डबिंग करनी होती थी और समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोल रहे हैं। ये होता है तो, चलने लगाए ना मीरा जी, लेकिन फिर भी आप जल्दी डबिंग कर देते थे। हाँ ये तो बहुत जल्दी डबिंग तो पहले डबिंग कर देते थे। हाँ, ये माशाल्लाह तीन दिन तक वहीं होती थी। मैं एक घंटे डबिंग करके चला जाता था, तीन दिन बाद पता लगता वो अभी तक मीरा डबिंग कर रही है, मैं वही वाली। हाँ वाह होता है, हालांकि मैं अब ऐसा हो गया हूँ। लगा लें कान, आवाज आ रही है मीरा जी? मीरा जी बेईमानी नहीं होगी, बेईमानी नहीं होगी। नहीं अब मुझे समझ में आया कि आप लोग बेईमानी करते हैं। अच्छा मैं तो गैस ही नहीं कर पा, आप थोड़ा सा ना आप सही ये माइक नहीं लगाते। नहीं नहीं मैं हेडफोन सही लगा रहा हूँ, आप लगाएं। नहीं नहीं छोड़ दें हेडफोन। हाँ बस एंजॉय करें बस, ऐसे ऐसे निकल जाए ऐसे, अच्छा लग रहा है वैसे। नहीं ये नहीं होगा, मेरा बस पक्का लगाएं। नहीं नहीं सही कान बाहर आ रहा है, आज तक किसी ने बेईमानी नहीं की इस गेम में। हाँ पक्का। हाँ चलो सब पूछो। अच्छा मैं पूछूं? हाँ आराम से पूछना, ज्यादा ऊंचा नहीं। साहिर धोबी, साहिर लोधी, साहिर लोधी। हाँ एंड लोनी। सही बोल यार, सादा नहीं पकड़ा जाता, तू ऐसे बोल रहा है। मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, वो नहीं है ना एंड लोनी। मैं नहीं बोल, साहिर लोधी। अबे यूं करके दिखा। हाँ साहिर लोधी। नहीं नहीं नीचे, अबे मेरी बोली जो मर्जी कर। हाँ साहिर लोधी।
साहिर हाँ साहिर हाँ धोबी लोधी लोधी साहिर लोधी साहिर लोधी नहीं कल तक खेलेंगे क्या पता नहीं हार मान लो नाइन साहिर लोधी साहिर लोधी अरे वाह गाना खत्म हो गया साहिर लोधी हाँ हाँ साहिर लोधी इतना मुश्किल नाम वैसे वो वाकई बहुत मुश्किल है नाम जी अब कौन पूछेगा मुझे हाँ तुम पूछोगे ना मुझे हाँ ठीक है चीटिंग नहीं होनी चाहिए मैं बिल्कुल ये चीटिंग नहीं करते मैं भी नहीं करता हाँ मैं धोखा मैं कर रहा हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ मैं बिल्कुल चीटिंग नहीं करता मैंने इसलिए अपने हेडफोन उतार दिए मुझे धोखा नहीं होना डायरेक्टर क्या बोल रहे हैं हाँ धोखा बिल्कुल नहीं होना चाहिए ये तो अन्याय है सॉरी ये क्या गाना खत्म हो गया मेरी तरफ गाना क्यों खत्म हो जाता है यस गाना खत्म हो गया इसने साहिल लोधी बोला एक मिनट अच्छा दूसरा लगाता इसको ना सही तरह आप कवर करें कानून हाँ, को ये देखें फैसल धोखा नहीं होना चाहिए देखिए मैं चीटिंग नहीं करती प्लीज ना नो चीटिंग अच्छा हाँ आवाज नहीं आती मैं किसी को धोखा नहीं देती सीरियसली क्या अभी तुम मेरी लड़ाई कर रहे हो बैठ के नहीं नहीं रेडी ओके इंसानियत इंसानियत पढ़ लिया तूने इतना ज्यादा इंसानियत इंसानियत स्टाइल एक इंसानियत लस बेला इंसानियत लाइव शो है फैमिली देख रही होती है इंसानियत इंसानियत इज़राइल माफ कर दे इंसानियत फैसल तुम नॉस्टैल्जिया इंसानियत इशारा दे किसी का माफ कर दे तुमसे उम्मीद नहीं थी मुझे तुम तो कर सकते हो ओके इंसानियत इंसानियत इंसान का बच्चा बन इंसानियत फैसल हाँ इंसानियत है इंसानियत इतनी तो इजी चबा चबा के तो बोल रहा हूँ तोड़ क्यों रहा है सीधा बोल दे इंसानियत बोला था ना वो भी बोला इंसान के बाद में परेशान हो रहा हूँ आगे इंसानियत इंसानियत सीरियसली मैं दो दफा ये समझा तू ऐसी बात बोल रहा है जो लाइव नहीं जा सकती ये तो आपकी अपनी सोच है ना भाई माहौल ऐसा बना हुआ है ऐसा लगा है सुबह सुबह ऐसा माहौल बना दिया सीरियसली दो दफा इसने जैसे कहा ना इंसानियत या आप रिपीट पे स्लो करके देखिएगा जरा नियत नियत इंसानियत बोला था मैंने थोड़ा सा मुश्किल थोड़ा सा मुश्किल सच में आप चीटिंग ना हो धोखा ना हो तो फिर मुश्किल हाँ बिल्कुल लगाए मुश्किल था मुश्किल काम काम तो मुश्किल है पहले ना जरा वो पता गानों की तरफ दिमाग चला जाता है वो आप भूल जाते हैं सामने कौन क्या बोल रहा है गरम है नहीं वो समझिए जहाज बढ़ाएगी हाँ मैं पूछूं तो पूछेगा नहीं तुम पूछ लो तो मैंने भी तुमसे पूछा ना मैंने बंदर पूछा था तुमसे भी पूछा था मैंने अच्छा अभी पूछा तो ऐसा लो थी मैंने भाई हाँ मैं पूछता हूँ सही है मैं बिजी हूँ कैसे रहने दो भाई थोड़ी देर मैं बहुत बिजी हूँ आजकल मेरी बीवी भी शो देख रही होती है अच्छा अच्छा मेरी बीवी भी तोबा टेक सिंह दोबटा तोबा टेक सिंह दोबारा चल के आ दोबारा कौन चल सकता है तोबा टेक सिंह तोबा टेक सिंह तोबा टेक सिंह तू जोर से गाने बोल रहा है इनको एंजॉय करने दें हाँ हम दोनों आप सुने गाने हम दोनों ब्रेक पे जा रहे हैं ठीक है आप एंजॉय करें बल्कि कान में रख के ब्रेक बोलो हाँ इसको पहन के तुमने बोलना है आप देखते रहे सलाम जिंदगी हम वापस आते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाँ आप देखते रहे सलाम जिंदगी हम आते हैं थोड़ी सी ब्रेक के बाद कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूँ
मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूँ। हे हे जिंदगी में ऐसे भी लोग मिलते हैं, देखते ही आंखों को अच्छे लगते हैं, आरज़ू ये होती है अपना कह सकूँ, इसीलिए तो कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूँ। जिंदगी में ऐसे भी लोग मिलते हैं, देखते ही आंखों को अच्छे लगते हैं, आरज़ू ये होती है अपना कह सकूँ, इसीलिए तो कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूँ। शो पे ओहो नहीं आया हमारे ओहो ओहो। हाँ एक्चुअली मीरा जी और साउथ जी, जी आप जी लोगों के इतने फैंस हैं, मैं क्या करूं। काशी भाई कह रहे थे कि थोड़ा मीरा जी के साथ एक तस्वीर बनवानी है, तो मैं थोड़ा पास चला जाऊं। मैंने कहा चले जाओ भाई। तो मीरा जी आपके इतने बड़े फैन थे ये, और हैं भी, हैं हमेशा रहेंगे। अच्छा मैं मज़े की बात आपको बताऊं, हमें बहुत सारी ईमेल्स आई, बहुत सारे मैसेजेस आए, उनमें से हमने बहुत सारे लोगों को पिक किया। आपके एक फ़ैन को भी हमने पिक किया है। अच्छा हाँ, उन्होंने पहले हमें एक अपनी वीडियो भेजी, उस वीडियो को हमने रिकॉर्ड कर लिया और वो हम आपको दिखाते हैं। वो आपके बड़े फ़ैन हैं, बड़ी दूर से, मेरे ख्याल से दुबई वुबई से आए हैं वो। सो ये ज़रा वीडियो दिखाइएगा इन भाई की। मीरा, मेरा नाम है अफजल मोरावाला, और मैं जब से आपकी पहली फिल्म देखी है मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ आपका। फैसल से मेरे बड़े अच्छे फैमिली टर्म्स हैं, फैसल अक्सर दुबई आते रहते हैं, और उन्होंने मुझसे ज़िक्र किया था कि एक दफ़ा आप उनके शो पे आने लगी हैं, तो मैंने वादा लिया था फैसल से कि जिस दिन आप आएंगी उस दिन फैसल मुझे इन्वाइट करेंगे। मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि आपका मुझसे बड़ा फ़ैन शायद ही कोई हो। और देखें कि बात सारी ये है कि जी आ जाएं, जी जी एक सेकंड यार, ज़रा काम भी चल रहा है ऑफिस में, लेकिन फैसल ने बस ऐसा कर दिया मेरे साथ कि मैं खेलें अब नहीं आएगा दोबारा। हाँ ठीक है, ज़रूरी बात हो रही है। तो ये है कि आपके बारे में तो मेरे पास अल्फाज भी कम है मीरा, मैं ख्वाहिश है कि मैं एक दफ़ा आपको देख सकूं, एक पिक्चर आपके साथ बना सकूं। और मैं ये जो इतना बड़ा ऑफिस बाबा ने मुझे दिया हुआ है, उनसे जब मैं जिक्र करता हूँ तो वो कहते हैं कि बेटा क्या हो गया इस तरह की बातें, लेकिन मैं कहता हूँ मैं ये सब छोड़ सकता हूँ मीरा के लिए। तो अक्सर लोग समझते हैं मजाक हो रहा है। कल रात मेरी फैसल से बात हुई, उसने बताया कि आप आज उनके शो पे आ रही हैं, तो मैंने बड़ा रिक्वेस्ट किया फैसल को कि यार प्लीज़ मेरा वीडियो बना लो, शो में पता नहीं चलाओगे या नहीं चलाओगे, लेकिन मीरा को पर्सनली दिखाना ज़रूर, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मीरा को ये बात का पता चले कि उसके ऐसे फ़ैन्स भी हैं। अफजल अभी ज़िंदा है, और जब तक अफजल है ना
आप यकीन करें मीरा, आपको कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। मैं हूँ आपके पास, आप जो चाहे ना आपके लिए मैं कर सकता हूँ। बड़े चाहने वाले हैं मीरा जी, और इनकी चाहत का अंदाजा ये है कि दुबई से कराची पहुंच गए। सीरियस था या नहीं? अच्छा अच्छा, दुबई से कराची पहुंच गए आपके लिए। अफजल मोरा वाला, अफजल मोरा, हाँ, ये गुजरा वाला से 2 किलोमीटर आगे। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं मजाक कर रहा हूँ। प्लीज वेलकम अफजल भाई। अफजल भाई आप आए, ओ तेरी खैर। साउथ बॉय कैसे हैं? पैसा यार कमाल शो है। थैंक यू भाई जान, थोड़े से इधर हो जाए। अरे यार सबर करो। हाय मीरा, मैं बयान नहीं कर पा रहा कि मीरा मेरे सामने तेरे ग्लासेस की मैचिंग भी कर ली। अफजल भाई कैसा लग रहा है? मीरा जी बिल्कुल आप साथ बैठ सकते हैं। ना कर यार, मारी ना जाओ। नहीं नहीं, शेयर कर लेंगे, कोई बात नहीं। अच्छा माशाल्लाह, बड़ा घरेलू हो गया। चलेंगे अफजल भाई, बड़े बड़े फैन हैं मीरा जी के दुनिया भर में। हाँ जी, तो आपने इनकी फिल्म्स वगैरह देखी? यार फैसल, मैं जैसे मैंने बताया, वैसे तो पहले मैं शुक्रिया करूंगा यार, तूने रात को कॉल किया। आप मुझसे क्यों इतना फ्रैंक हो रहे हैं? यार तूने रात को कॉल नहीं किया, बताया कि अफजल आ रही है मीरा। मैं जानता हूँ मैं कैसे आया हूँ दुबई से, यकीन करो। कैसे भाई? जहाज चला है। कुत्ते पे बैठ गए? अच्छा, नहीं नहीं, जहाज चला है। अच्छा, और जहाज चला है फिर वो लाहौर में उतर गया क्योंकि मैंने टिकट ही गलत ले लिया। अच्छा, एक्साइटमेंट में। अच्छा, लाहौर उतर गया। ठीक है, ना करें। फिर मैंने चलाई साइकिल कोई सारी रात। अच्छा हाँ हाँ। अच्छा, फिर मैं पहुंचा मोरा वाला, जो मेरा गाँव है ना गुजरांवाला से थोड़ा आगे, वहां से मैंने किया बस। अच्छा, उस बस ने मुझे बिठाया ना, मैं जाहिर सी होता हालत खराब हो गई थी। हाँ। ऐसी खुशबू निकल रही थी कि लोगों ने कहा जी बस हो गई है। हाँ। मुझे कोने पे उतार दिया उन्होंने। ओहो, वहां से फिर रिक्शा किया मैंने और पहुंचा हूँ बाहर। आप रिक्शे पे कराची आए मीरा जी के लिए? यार कोई बड़ी बात है भाई ये? कोई यार आसान बात है यार? बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात यार। ये वर्ल्ड फेमस है यार, नो डाउट, नो डाउट। पाकिस्तान में वर्ल्ड फेमस है, कैसी बातें कर रहे हैं आप? नहीं, वर्ल्ड फेमस है पाकिस्तान में, वर्ल्ड फेमस। अब वही यार, तू समझ गया, मैं एक्साइटमेंट में अजीब अजीब चीज निकल रही मेरे अंदर से है। अच्छा, तो मीरा जी की क्या अदा, क्या बात आपको बहुत पसंद है? यार कोई एक हो तो बताओ, तेरा शो कम पड़ जाएगा। देख भाई यार, असल में जो अच्छी बात मुझे लगती है ना सबसे ज्यादा, जो हटके है वो ये ख्याल नहीं करती किसी का। चल हट, वो जो दिल में है ना वो मुंह पे। यार ये तो बात है ना, जो है ना ये मुझे सबसे अच्छी लगती है। हाँ। कि कोई सेलिब्रिटी वाली बात नहीं कि यार मैं जरा कैमरे के सामने ये। हाँ। वो टिशन मशन ना। हाँ। जो दिल में ना साफ है मुंह पे, क्या बात, ये कमाल बात है यार। कमाल बात, ये क्वालिटी होती है, क्वालिटी। मीरा जी आपको जो फैंस मिलते हैं आपको कैसा लगता है जब ऐसे क्रेजी फैंस आपको मिल जाते हैं? तो अभी अफजल भाई आ गए आपके लिए दुबई से, वैसे ऐसे फैंस आते रहते हैं आपके पीछे? मैं यही कहूंगी कि अभी होटल फिल्म आ रही है, आप जरूर देखिएगा। होटल आ रही है? होटल फिल्म आ रही है। इनको बोले आज दुबई में शूट करें, मेरा अपना होटल है जी, आ जाए। होटल फिल्म जरूर देखने जाइएगा। अच्छा हाँ, मैं आपकी फिल्म मैं ना देखूं? हाँ। जी मैं तो सिनेमा में लगवा दूंगा। बड़ी अच्छी फिल्म है, उसमें थोड़ी सी स्टोरी सुनाओ। जी जी प्लीज। हाँ। शेयर करें। हाँ। गाना ना, आप लोग एक काम करें, आप लोग कोई पकौड़े तल ले, हम जरा बात कर रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, इसकी कहानी कुछ इस तरह से है कि एक काशिका जो कि हिंदुस्तानी लड़की है जो दिल्ली में रहती है। हाँ जी। और उसके बाद वो अपनी उस बहन से उसकी मुलाकात होती है जिसने कभी दुनिया में जन्म ही नहीं लिया। ओह गॉड, ओए होए, सब हिंदी में। हाँ। बस एक मैं रिक्वेस्ट आपसे करना चाहता हूँ, पैदा नहीं हुई, आपने फिल्म जरूर देखी। मैं देखूंगा जी, मैं 100 दफा देखूंगा, परेशान ना हो, छोटी सी मैंने आपसे रिक्वेस्ट करनी है। 100 दफा देखेंगे। हाँ। मीरा जी की कोई अदा जो आपको? यार ओ यार ओ साउथ यार, किधर रह गया तू? कसम से फैसल, कैसे यार? आज घर आजा आजा साउथ अपना, कैसा है लड़के? और तो कैसा है आज मेरा वैसे? अरे कैसा है यार, बड़ा ही मजा आ रहा है यार। फैसल बैठ यार, साउथ बैठ यार। फैसल आजा। वो ये कौन है जिसने मूछों ने इंसान रखा हुआ है? अरे यार और नहीं बचाना? नहीं। और तूने नहीं बचाना? नहीं। और नहीं बचाना? नहीं। चल फिर मैं जाऊं। हां
यार देख, और जब तू याद है जब हम छोटे छोटे से होते थे, और तुझे याद है जब हम छोटे छोटे से होते थे? तुम छोटे कितने होते हो गए? ये छोटे हम इतने इतने थे। नहीं तो, इतने इतने नहीं, इतने इतने। अरे हाँ वो ऐसे ही है, वो मैं और सब बचपन के दोस्त है जी। वो बचपन में हमने जितना क्रिकेट खेल लिया ना साथ, आज तक हम खेलते आ रहे हैं। मैं कहाँ मिला हूँ आपको बचपन में क्रिकेट में? अरे यार बस अब तुझे याद नहीं है, एक बार तू ऐसे सीन करा रहा था, पीछे बच्चे की रोने की आवाज आई थी। हाँ। बच्चा कौन था? लो ये था, आप थे। तब से आप दोनों की दोस्ती हो गई। अरे बड़ी दोस्ती है भाई। अच्छा वैसे ऐसा बच्चा ना जिनों के घर पे होता है। अच्छा बड़ा कहते हैं ना जिनका बच्चा आगे ले। फिल्म का नाम आशिकी खेल नहीं, फिल्म का नाम आशिकी खेल नहीं। बिल्कुल ऐसे ही होगा। ये भी है, ये भी हमारे यहाँ होता है। और साउथ मेरी बड़ी दोस्ती है, और मैंने साउथ तेरी कोई फिल्म नहीं छोड़ी है। क्या मतलब? कोई फिल्म नहीं छोड़ी। मैं कल गया था सीडीओ की दुकान पे, तेरी सारी फिल्में मैंने देखी है वहाँ। मैं बॉलीवुड की फिल्म लेके आ गया उसके बाद। बहुत अच्छा किया। और मैंने कहा ये तो मैंने देख लिया है, बिल्कुल अब मैं कोई नहीं देख लेता। और साउथ मेरी बड़ी दोस्त, आप लोगों को नहीं यकीन आ रहा, और मुझे लग रहा है आप लोग मुझे समझ रहे हो मैं झूठा हूँ। मैं आप लोग को तस्वीरें दिखा देता हूँ, मैं खाली आते हैं भाई तस्वीरें दिखाओ इनको, हमारी तस्वीर ये देखो, ये हम पार्टी पे गए हुए थे, मैं ऑफिस से आ रहा था, साउथ ने कहा पार्टी है मोमी, और ये मैं। आपने नीचे क्या पहना हुआ? ये नीचे पार्टी ड्रेस। ये देखो साउथ जब भी नाराज होता है मैं उसके पास होता हूँ, ये आंखों से आंसू, लेकिन मैं नहीं पास से गया, मैं बचपन का दोस्त हूँ यार। अच्छा हाँ, एक और दिखाए, और भी है, ये देखो इसमें कहाँ है आप? इसमें मैं रिक्शा चला रहा हूँ। ये हूँ मैं तस्वीर में, आगे हूँ, कैमरे में नहीं आया। एक और भी है, एक और ये देखो सऊद अकेले, इसमें मैं देर हो गई थी, मैं आ रहा था अभी पहुंचे दो मिनट बाद मैं तस्वीर में था। अगली दिखाओ भाई, अगली दिखाएं। ये देखो इसमें सऊद, मैं कहा हूँ भाई इसमें सऊद लेट हो गया था, सऊद आ रहा था भाई। कभी मैं लेट, कभी मेरा जिगर लेट, कोई ना कोई तो लेट होगा ना भाई। एक और भी है, ये देखो इसमें तो दोनों नहीं है, दोनों लेट हो गए। कैसा ये मेरा जिगर, बचपन की दोस्ती है, सब समझते हम लोग। यार इसमें तो गाना भी है, बचपन की मोहब्बत को पचपन से जरब देना, जब याद मेरी आए एक और मिला देना। सुभान अल्लाह, है ना। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, मीरा जी भी हमारी बहुत पुरानी दोस्त है जी, बहुत पुरानी। एक बार मैं सब मीरा जी छुपन छुपाई खेल रहे थे, और मेरी आगे बारी आ गई, और मैं मुंह उधा करके छुपन छुपाई की गिनती गिनने लगा, ये दोनों जाके छुप गए, उसके बाद आज मिले मुझे। चल ठीक है, पता नहीं जिधर छुप गए। आपको मैं याद नहीं हूँ? हाँ हाँ, कैसा कैसा सब, तू नहीं मुझे बचाना वो बचान गई, अब तो बता दे कि तू मुझे जानता है, उसको बता दे क्या कहाँ कहाँ मिले थे भाई। कहाँ मिले, पॉइंट तो बताओ। ये जंगल गए, जंगल जंगल में मिले होंगे, जंगल में नहीं, वो याद नहीं है यार। ये डिफेंस से ये वाली जो रोड जाती है, इधर नहीं खड़ा हुआ था मैं उस वाली रोड पे, उस वाली रोड पे तीसरा बंदा जिसके मुंह में सिगरेट था, कौन था वो? अच्छा आप थे वो? अरे यार, अरे यार। अच्छा ये मीरा जी के फैन है। अच्छा ये दुबई से आए मीरा जी को मिलने के लिए से। अच्छा दुबई से आए? हाँ। अफजल, अफजल क्या करता है भाई तू? मेरे जी ज्वेलरी का काम है, छोटा मोटा होता रही। किसका काम है तेरा? ज्वेलरी। ज्वेलरी यार, ज्वेलरी 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 मतलब मुर्गियां, सोना के काम, सोने सोने का काम है। हर वक्त सोते रहते तुम लोग। अजीब, ये कौन है भाई? ये सऊद साहब के कोई पुराने दोस्त भाई? नहीं भाई ये मेरा नहीं है, यहाँ पे किसी ने पता नहीं इनको लाया था। यार सऊद भाई इतनी इज्जत है आपकी, कहाँ दोस्ती कर ली आपने? और यार तुम लोग ऐसे मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो, मेरा दिल अजीब सा आ रहा है, ऑन एयर आ रहा है, और मैं बचपन का दोस्त हूँ, मान लो यार। वो तो मान गया, तुम भी मान लो, खत्म करो बात को। क्यों मान ले यार जबरदस्ती? आपको क्या लगता है दोस्ती कम? ये जो मैंने मूछें उगाई है ये किसकी है? एक दिन मैंने इसको कहा, मैंने कहा सऊद तेरी मूछे बड़े अच्छे, इसने उतार के मुझे दे दी, उस दिन से मैं लगा के घूम रहा हूं। यार तुम लोग पे तालियां बनती है, इतनी सी बात है। अच्छा सुनो यार फैसल, तू बड़ा गेम खेल रहा था, वो कानों में स्पीकर लगा, हमारे साथ नहीं खेलता? हमारे साथ क्यों नहीं खेलता यार? आपके साथ क्या खेलूं मैं, आप लोग शिकायतें इतनी करते हैं चीजों में। यार वैसे तू मुंह नहीं लाएगा मैं पकड़ लूंगा। यार वैसे वैसे तूने कहा था यार मैं अकेला ही हूंगा शो पे दो के साथ, ये क्या यार? ये खुद आए भाई, मैंने नहीं बुलाया इनको। यार किसने, ओ भाई रस्सी किसने खोली इसकी? और रस्सी नहीं, मैं चेन से बांधते हैं मुझे, कैसी बातें कर रहे हो पागल भाई? यार ये तो एक अजीब डिस्टर्बेंस ही हो रही है। मीरा जी, मीरा जी आप ही मुझे बताइए, इस तरह के फैंस जब आपको मिलते हैं तो उस वक्त आपकी क्या कंडीशन होती है, जो खामखा कहते हैं नहीं मुझे पहचाने, नहीं मुझे पहचाने? क्रिटिकल कंडीशन होती है। बस मैं कहती हूँ हाँ हाँ मिले थे ना, देखा हाँ भी मिले थे, हर सेट पे मुलाकात होती है। आपको अफजल साहब कैसे लगे? अफजल साहब तो बहुत स्मार्ट हैं। देखा, चले भाई आप लोग जाएं, शो खत्म हो गया है, चले भाई बात ही खत्म कर दी लड़कियां।
चलो भाई कोई बात नहीं। अरे अफजल, अफजल साहब की क्वालिटी है कि ये शर्ट तक बहुत अमीर लग रहे हैं और शर्ट से नीचे बहुत गरीब आदमी है। अरे भाई मेरा ये असल में नए नए अमीर हो रहे हैं ना, तो अभी बाहर निकल रहे हैं। बात ऐसी नहीं है, बात सारी है कि मैं जब चला था ना मैं सूट में था। अच्छा, फिर आपको नहीं पता हुआ क्या क्या है। यहाँ आने तो अभी आधा घंटा और लेट होता तो निकर पहनी होती मैंने। शुक्र है आप जल्दी आ गए, टाइम पे ही पहुंच गया। हाँ नहीं शुक्र है जल्दी पहुंच गया। हाँ जी जल्दी पहुंच गया। निकर से याद आ गया हमारे बचपन की बातें। ओ बचपन में साउथ ने बड़ी लड़कियां फसाई हैं जी, बड़ी लड़कियां फसाई हैं। दर्जी की दुकान पे होता था। अच्छा, छोटे साइज के कपड़े थे, लड़कियां फंस जाती थी उसके अंदर, बड़े लड़कियां फसाई हैं इसमें। उसके बाद जाके फिर हमने कहा साउथ जाके फिल्में कर यार। और मैं उसको फिल्म पे लेके गया, उन्होंने मुझे रख लिया। और मैंने कहा नहीं भाई, मेरा भरा उसको फिर मैंने रखा है। आज माशाल्लाह देखो, दुनिया में अगर आपको ऐसा एक्टर मिल जाए तो मेरी बात पलट दे वापस है। अच्छा तो आप मैसेज जी जरा मुझे भी इंट्रोडक्शन करा दे, मेरा भी करा दे और उधर से भी करा दे, ताकि हमारा वाईफाई मिल जाए। नहीं नहीं बात सुनो, ये इधर ही रहे आप, ठीक है, ये मेरे से बात कर रही है। और यार हमारा भी दिल करता है, क्या हो गया तुम्हें, इतनी तकलीफ क्या हो रही है? उनको मसला नहीं है, तुमको क्यों मसला हो रहा है? भाई मैं सबसे बड़ा फैन हूँ इनका, तू वैसे ही मुझसे बहुत बड़ा है, छोड़ दे दूर रहे। और कोई बात नहीं। और मीरा जी मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। ऐसे नहीं, आप मीरा जी को कटहरे में ले जाके अगर कुछ बात पूछना चाह रहे हैं तो पूछ सकते हैं। कटहरे में? हाँ, कटहरे में रखा हुआ है। इल्जाम अगर आपने लगाया ना तो मैंने वकील बन जाना, फिर आपकी सोच है। देख लेते चले इस वक्त जज करेंगे। साउथ भाई आप यहाँ ऐसे जज आ जाए, आप यहाँ खड़े हो जज। आ जा जी, और लाइटें भी लगा दी आज हमने, कटहरे में लाइटें लगी है जी। साउथ साहब आप जज कर रहे हो, हाँ जी आगे जो भी हो रहा है उसको आगे आ जाए। अरे मेरा जी आप पे इल्जाम ये है कि आप फैन को अपने कहती हैं कि मैं मिलूंगी मिलूंगी, आप मिलने नहीं जाती, इसमें क्या मसला है जी? बताएं जी क्या क्या क्या। और मैं कह रहा हूँ आप अपने सारे फैनों को कहती हैं कि मैं आपसे मिलूंगी, फिर आप मिलती नहीं है, तो इसमें मसला क्या है? भाई मैं दे दूं, आप परेशान ना हो, जवाब मैं ज्यादा ना दे। नहीं भाई टाइम नहीं होता उनके पास यार, कब मशरूफ होती है, मुझसे मिलने का बोला है, मुझसे तो मिल ली फिर। और तुझसे मिल ली ना, 300 करोड़ आदमी उनका फैन है, तू अकेला नहीं है। और भाई लेकिन सबसे तो नहीं मिल सकती ना, आप भी को जवाब दे दे इसके मुंह पे मारे। आप बताए जी। जी मीरा जी आप क्यों नहीं मिलती हैं अपने फैन से? मैं मिलती हूँ। मिलती हैं वो? मिलती हूँ। तुम बातें कर रहे हो। फैसल भाई तो एक और रख दे, मुझे मारा नहीं फैसल। क्यों? मुझे दर्द होता है। खैर दूसरा इल्जाम, और आप पे दूसरा इल्जाम यह है कि जब आप अपने करैक्टर में होती हैं फिर आप अपने करैक्टर से निकलती, वजह? उस करैक्टर में डूब जाती हैं। करैक्टर में दो दो मैंने बचाया। करैक्टर में करैक्टर से निकालने के लिए सपोर्ट चाहिए ना। वेरी गुड। तो वो जब खींचते हैं तो फिर मैं करैक्टर से निकलती हूँ, अगर कोई ना खींचे तो करैक्टर में ही रह जाती हूँ। तो फिर बहुत से फैंस ने कहा है कि जी जब भी हम मीरा जी के पास जाते हैं, मीरा जी हमारे साथ ना तस्वीर खिंचाती है ना हमें जवाब देती है, इसके बारे में क्या कहना है आपका? वो खुद ही तस्वीरें बना लेते हैं बहुत सारी। अब तो क्या मीरा जी खुद पकड़ पकड़ के तस्वीरें? आओ मैं मीरा हूँ तस्वीर बनाओ, आओ मैं मीरा हूँ तस्वीर बनाओ। और ये बहुत बहादुर है, आपको पता, अभी थोड़ी देर पहले काशिफ के साथ तस्वीर खिंचवाई है उन्होंने। और ना करो, काशिफ के साथ तस्वीर खिंचाई है? सोच फिर, ये तो बात ही इतना इतना जिगरा है भाई, काशिफ के साथ खिंचवा ली। और जी बहुत अच्छा है, और आप लोग का कोई इल्जाम लगा दो, मुझे तो लग रहा है कि मीरा जी बिल्कुल ठीक है, आपकी मर्जी है। अफजल भाई आपने कुछ कहना है कह लें, आखिरी 2 सेकंड है आपके पास। मैं आखिरी बात खत्म होने लगी है कि मैं हाजिर हूँ आपके लिए, आपको जब कोई काम हो जो भी करना हो ना अफजल भाई, और मेरा मतलब अफजल हासिल है आपके लिए, कोई काम हो पूरा पूरा दुबई आपका है, आप हुक्म करें और मैंने लाइनें लगा देनी है जिस चीज की। और जी रिक्शों का काम तो नहीं, मेरा मतलब है कि जी काम ही काम है, लाइनें लग जाएंगी जो बोले आप हैं। ठीक है, थैंक यू भाई साहब। आपको कोई भी काम हो इससे करा लीगा, कोई दही चाहिए हो घर में, सब्जी चाहिए हो इससे करा लीगा, सारे काम करता है घर में, छोटा था मेरा ये बातें करा लो। ये मुझे रख के ना खुद को बड़े गुस्सा है ना, मैंने मुझे उतार लेनी है।
भाई ना हल्का होली आ जा। तुमने क्या समझा? होली आ जा भाई। ओ भाई कौन है? भाई ने मुंह में हमेशा यहां कोई ना कोई फटा हो जाता है। फिलहाल छोटा सा भाई को ब्रेक लेना, मुझे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, कहीं मत जाइएगा। इनको लड़ने दे दोनों को, लड़ने दे दोनों को। इसी ब्रेक के बाद नई खुशियों के रंग लाई सुबह। कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूँ। कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूँ। हे हे, जिंदगी में ऐसे भी लोग मिलते हैं, देखते ही आँखों को अच्छे लगते हैं। आरज़ू ये होती है अपना कह सकूँ, इसीलिए तो कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूँ। जिंदगी में ऐसे भी लोग मिलते हैं, देखते ही आँखों को अच्छे लगते हैं। आरज़ू ये होती है अपना कह सकूँ, इसीलिए तो कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूँ। शो पे ओहो नहीं आया हमारे। ओहो ओहो, हाँ एक्चुअली मीरा जी और साउथ जी, जी आप जी लोगों के इतने फैंस हैं, मैं क्या करूं। काशी भाई कह रहे थे कि थोड़ा मीरा जी के साथ एक तस्वीर बनवानी है, तो मैं थोड़ा पास चला जाऊं। मैंने कहा चले जाओ भाई। तो मीरा जी आपके इतने बड़े फैन थे ये, और हैं भी, हैं हमेशा रहेंगे। अच्छा मैं मज़े की बात आपको बताऊं, हमें बहुत सारी ईमेल्स आई, बहुत सारे मैसेजेस आए, उनमें से हमने बहुत सारे लोगों को पिक किया। आपके एक फ़ैन को भी हमने पिक किया है। अच्छा हाँ, उन्होंने पहले हमें एक अपनी वीडियो भेजी, उस वीडियो को हमने रिकॉर्ड कर लिया और वो हम आपको दिखाते हैं। वो आपके बड़े फ़ैन हैं, बड़ी दूर से मेरे ख्याल से दुबई वुबई से आए हैं वो। सो ये ज़रा वीडियो दिखाइएगा इन भाई की। मीरा, मेरा नाम है अफजल मोरावाला, और मैं जब से आपकी पहली फिल्म देखी है मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ आपका। फैसल से मेरे बड़े अच्छे फैमिली टर्म्स हैं, फैसल अक्सर दुबई आते रहते हैं, और उन्होंने मुझसे ज़िक्र किया था कि एक दफ़ा आप उनके शो पे आने लगी हैं। तो मैंने वादा लिया था फैसल से कि जिस दिन आप आएंगी उस दिन फैसल मुझे इनवाइट करेंगे। मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि आपका मुझसे बड़ा फ़ैन शायद ही कोई हो। और देखें कि बात सारी ये है कि जी आ जाएं, जी जी एक सेकंड यार, ज़रा काम भी चल रहा है ऑफिस में, लेकिन फैसल ने बस ऐसा कर दिया मेरे साथ कि मैं
अकेले, अब नहीं आएगा दोबारा। हाँ ठीक है, ज़रूरी बात हो रही है। तो ये है कि आपके बारे में तो मेरे पास अल्फाज भी कम है मीरा, मेरी ख्वाहिश है कि मैं एक दफ़ा आपको देख सकूं, एक पिक्चर आपके साथ बना सकूं। और मैं ये जो इतना बड़ा ऑफिस बाबा ने मुझे दिया हुआ है, उनसे जब मैं जिक्र करता हूं तो वो कहते हैं कि बेटा क्या हो गया इस तरह की बातें, लेकिन मैं कहता हूं मैं ये सब छोड़ सकता हूं मीरा के लिए। तो अक्सर लोग समझते हैं मजाक हो रहा है। कल रात मेरी फैसल से बात हुई, उसने बताया कि आप आज उनके शो पे आ रही हैं, तो मैंने बड़ा रिक्वेस्ट किया फैसल को कि यार प्लीज़ मेरा वीडियो बना लो, शो में पता नहीं चलाओगे या नहीं चलाओगे, लेकिन मीरा को पर्सनली दिखाना ज़रूर, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मीरा को ये बात का पता चले कि उसके ऐसे फ़ैन्स भी हैं। अफजल अभी जिंदा है, और जब तक अफजल है ना, आप यकीन करें मीरा, आपको कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। मैं हूँ आपके पास, आप जो चाहें ना आपके लिए मैं कर सकता हूँ। बड़े चाहने वाले हैं मीरा जी, और इनकी चाहत का अंदाजा ये है कि दुबई से कराची पहुंच गए। सीरियस था या नहीं? नहीं, अच्छा, दुबई से कराची पहुंच गए आपके लिए। अफजल मोरा वाला, अफजल मोरा, हाँ, ये गुजरा वाला से 2 किलोमीटर आगे। अच्छा, मैं मजाक कर रहा हूँ। प्लीज वेलकम अफजल भाई। अफजल भाई आप आए, ओ तेरी खैर। साउथ बॉय कैसे हैं? पैसा क्या कमाल शो है। थैंक यू भाई जी, थोड़े से इधर हो जाए। अरे यार सबर करो। हाय मीरा, मैं बयान नहीं कर पा रहा कि मीरा मेरे सामने तेरे ग्लासेस की मैचिंग भी कर ली। अफजल भाई कैसा लग रहा है? मीरा जी बिल्कुल आप साथ बैठ सकते हैं। ना कर यार, मारी ना जाओ। नहीं नहीं, शेयर कर लेंगे, कोई बात नहीं। अच्छा माशाल्लाह, बड़ा घरेलू एरिया चला लेंगे। अफजल भाई बड़े बड़े फैन हैं मीरा जी के दुनिया भर में। हाँ जी। तो आपने इनकी फिल्म्स वगैरह देखी? यार फैसल, मैं जैसे मैंने बताया, वैसे तो पहले मैं शुक्रिया करूंगा यार, तूने रात को कॉल किया है। आप मुझसे क्यों इतना फ्रैंक हो रहे हैं यार? तूने रात को कॉल नहीं किया, बताया कि अफजल आ रही है मीरा। हाँ। मैं जानता हूँ मैं कैसे आया हूँ दुबई से, यकीन करो। कैसे हैं? जहाज चला है। कुत्ते पे बैठ गए? अच्छा, नहीं नहीं, जहाज चला है। अच्छा। और जहाज चला है, फिर वो लाहौर में उतर गया क्योंकि मैंने टिकट ही गलत ले लिया एक्साइटमेंट में। अच्छा, लाहौर उतर गया। ठीक है, ना करें। फिर मैंने चलाई साइकिल कोई सारी रात। अच्छा, हाँ हाँ। अच्छा, फिर मैं पहुंचा मोरा वाला, जो मेरा गाँव है ना गुजरा वाला से थोड़ा आगे, वहां से मैंने किया बस। अच्छा, उस बस ने मुझे बिठाया ना, मैं जाहिर सी होता हालत खराब हो गई थी। हाँ। ऐसी खुशबू निकल रही थी कि लोगों ने कहा जी बस हो गई है। हाँ। मुझे कोने पे उतार दिया उन्होंने। ओहो, वहां से फिर रिक्शा किया मैंने और पहुंचा हूँ बाहर। आप रिक्शे पे कराची आए मीरा जी के लिए? यार कोई बड़ी बात है भाई ये? कोई यार आसान बात है? बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात यार। ये वर्ल्ड फेमस है यार, नो डाउट पाकिस्तान में वर्ल्ड फेमस है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? नहीं, वर्ल्ड फेमस है पाकिस्तान में, वर्ल्ड फेमस। अब वही यार, तू समझ गया, मैं एक्साइटमेंट में अजीब अजीब चीज निकल रही मेरे अंदर से है। अच्छा, तो मीरा जी की क्या अदा, क्या बात, तो और क्या आपके लिए बॉस, ये लें। मैं कहां से लेंगे? कोई टेंशन नहीं, अभी हम क्या करेंगे आपकी प्लेट? यस, मैं मीरा जी, मैं आपको दे रहा हूँ। हाँ, मुझे सर्व करने दें। मैं काम करता हूँ, मैं ये जी चिकन इजी काट के दे दूँ ताकि जरा। हाँ, ताकि इजी हो खाना। हाँ हाँ, प्लीज हैव अ सीट। मैं आपको, सादत भाई के हाथ के खाने तो लोग इतनी शौक से खाते हैं, आपने सब पे चीज़ डाल दी ना ताकि मैं हाथ ही ना लगा सकूं। ये कोने वाला है ना सुबह चीज़ के हैं, इस कोने पे आप ये चीज़ बैठाएंगे। स्टाइल देखें, वैसे ये नूडल्स के साथ मैंने फर्स्ट टाइम ये इनके साथ ये इस तरह से ट्राई करें, आपको बुरा नहीं लगेगा? आई एम सीरियस, आई एम श्योर नहीं लगेगा। थोड़ा बहुत तो आई थिंक गुंजाइश होगी ना? जी जी बिल्कुल, उसकी होती है, बिल्कुल होती है। आप प्लीज खाइए ये। अच्छा, तुम्हारे लिए चीज़ में यार। जी मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, हमारे एक और मेहमान है जो आज यार, मैं दे देता हूँ यार। हाँ, क्या आप दे रहे हो? ये सिर्फ चेक करने आए जी, जरा कैमरा लेकर। मेरा जी बड़ी मजे मजे की गेम्स हैं जो आज जी आपने हमारे साथ खेलनी है, और आप पार्टिसिपेट करेंगी पूरी तरह से, बिल्कुल, और आप खूब मस्तियां करेंगी, वो मस्तियां जो आज से पहले आपने किसी मॉर्निंग शो पे ना की हो। मैं बहुत ज्यादा आज मस्तियां करूंगी। आपके हाथ में खाना है, आप झूठ नहीं बोलेंगी, वादा करें। हाँ, लेकिन एक टेलीविजन सीरियल करेंगे आप मेरे साथ। अरे बिल्कुल, एक क्या, मैं तो चार पांच आपके साथ काम करना है। हाँ बिल्कुल, एक मेरे साथ आप काम करें। छोटा सा काम बहुत अच्छा करते हैं, एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं,
और इस वक्त जो जो इनका जो परफॉर्मेंस का मियार है वो टेलीविजन में किसी और की अच्छा ये तो कॉम्पिटिशन गले लग जाए यार लेकिन है? बहुत अच्छा फैसल के लिए बहुत सारी तालियां बहुत और मेरी जाती ख्वाहिश है कि मैं इनके साथ सीरियल करूं बिल्कुल बस कर दो मैं घर जाऊंगा आज तो मैंने ऑन एयर कह दिया हां ऑन एयर और लाइव कह दिया भाई बहुत शुक्रिया थैंक यू मैं जाऊं हां अच्छा थैंक यू सॉरी छोटा सा ब्रेक है ब्रेक से वापस आते हैं आई होप कि आप लोग कहीं नहीं जाने वाले क्योंकि मीरा और सऊद आज मेरे साथ यहां पे बहुत मजे मजे की गेम्स खेलने वाले और गेम्स हैं आपस में नहीं खेलने वाले मेरे साथ खेलने वाले सो आई विल बी राइट बैक आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक नई खुशियों के रंग लाई सुबह नई उम्मीद लाया दिन नया कल बीत गया जो बीता क्या गिला तू जी ले आज को जी भर के जरा खुशी दे खुशी ले ये लम्हे खुल के जी ले भाई मीरा और सऊद के लिए बहुत सारी तालियां गाना इतना कैची है फाखर भाई आपने इतना अच्छा गाना बनाया कि एक सेकंड में डांस आता है कुछ गाने होते हैं जिन पे डांस आता है कुछ गाने होते हैं जिन पे चाह के भी डांस नहीं आ रहा होता और हम यूं कर रहे होते हैं कि जल्दी से क्या करें हाँ खत्म हो जाए बस निकल ले सऊद तुम्हारा भी एक्सपीरियंस है क्योंकि जब फिल्म हम लोग करते थे तब डबिंग होती थी अब जरा सिंग साउंड आ गया तो डबिंग थोड़ी कम हो गई है सो दिस गेम कुछ कहा क्या आप लोगों के लिए बड़ी आसान होगी बिकॉज आप लोगों ने डबिंग की हुई है आपने अपने आप को देखा और आपने कई दफ़ा होता था कि साइड ट्रैक्स नहीं होते थे गाइड ट्रैक्स नहीं होते थे तो आपको सिर्फ अपना जुमला देख के पकड़ना पड़ता था कि अच्छा यहाँ ये बोला हुआ अभी होगा ये कि आपके कानों पे होगा म्यूजिक बहुत लाउड और आप हम लिप सिंक पकड़ेंगे कि क्या बोल रहे हैं ठीक है पहले मैं एक काम करता हूँ सऊद भाई पहले मेरे साथ खेलेंगे फिर मैं आपके साथ खेलूंगा आप सऊद के साथ खेलेंगी हम इसी तरह से खेलते रहेंगे और घर चले जाएंगे ठीक है बहुत अच्छा आइडिया अच्छा ऐसा तो नहीं खेलेंगे जैसे पाकिस्तान टीम खेल ली है मैं क्या कह सकता हूँ जिस तरह से खेल लें अच्छा खैर इस गेम का नाम है कुछ कहा क्या जी जी तो शुरू करते हैं अपना पहला गेम और सऊद पहले मुझसे पूछेंगे फिर मैं मीरा जी से पूछूंगा मीरा जी सऊद जी से पूछेंगी फिर सऊद जी ये एक मिनट मैं ये पहन लूँ ये मैं उतार दूँ ताकि आपको यकीन हो जाए कि मैं उनकी नहीं सुन रहा पूछिए मेमाड़ी कहें मेमाड़ी कहें बाबर भट्टी किमाड़ी किमाड़ी दिमागी की माड़ी की माड़ी किमाड़ी रिमाली तू मुझे फंसवाएगा आज किमाड़ी 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 नहीं समझ आया सॉरी किमाड़ी किमाड़ी हाँ रिमाली कहाँ से मैं कह रहा तुम क्या चाह रहे हो आज मीरा जी आप कानों पे लगाएंगी ये या मैं पहले सऊद भाई के साथ एक दफा और कर लूं नहीं नहीं आप प्लीज सऊद के साथ करें पहले हाँ प्लीज सऊद ये पहने जरा ये अभी पूछता हूँ मैं हमेशा बड़े ओफ हाँ यही तो काम है जी मीरा जी जी पूछिए जरा सऊद से कोई कौन पूछेगा मीरा जी तुम हाँ मैं पूछूंगी कोई एक लफ्ज अच्छा कुर्ती कुर्ती अरे लाइए 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 भाई एक पॉइंट हो गया सऊद भाई का याद रखिए एक पॉइंट हो गया कुर्ती वाह वाह मीरा जी ये पहनी है अब मैं आपसे पूछूंगा अच्छा मैं पूछूंगा भाई नहीं है और बता क्या कर रहा है आजकल कुछ नहीं
पूछे ना पूछे। बहुत तंग कर दी है। हैं? हाँ, टेंशन है बहुत बड़ी। बहुत बुरी ना? हैं? नहीं नहीं क्यूट है। चलें चलें छोड़ छोड़ चलें। अबे लाइव में देख ले क्या कर रहा है भाई रिपीट पे। ये तो गलत सवाल। बंद करें बंद करें सब सुन रही है। पूछूं? बंदर वाला, बंदर वाला। हंसो नहीं बोलो तो सही। बंदर वाला, बंदर वाला, बंदर वाला। मुंह में घुस जाओ भाई। यूं है ये देख, ये देख आ गए। ये समझ में आ गई। बंदर बे बंदर बंदर बत्ती नहीं आती हमारी। नहीं 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 बंदर बंद बंदर 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 हाँ बंदर। इतनी जोर से बोलो क्या आगे। बंदर हाँ बंदर लाए मेरा जी। आप मुझसे पूछे यार बंदर, बंदर पे बंदर, बंदर पे याद आया आपके शो में रैम्बो को देखा था अच्छा कर रहा था। अच्छा क्यों बंदर हमारे मुल्क का बहुत बड़ा नाम है वो। बहुत बहुत मेरा जी पूछे जी फरमाइए। अच्छा मैं पूछूं सोच रही हूँ क्या पूछूं। काला पीला नीला काला पानी काला पीला नीला क्या मीरा क्या मीरा नहीं 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 नहीं, नहीं। काला पीला नीला क्या पिया है। कॉफी पिया है सुबह से। एक मिनट मेरा गाना खत्म हो गया है। एक मिनट अच्छा इससे पहले कि मैं आपकी आवाज सुन लूं। जी पूछिए। हाँ। खूबसूरत जिंदगी खूबसूरत सिंगर खूबसूरत सिंगर हमारे पास तो काशिफ है। अच्छा 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 ठीक है। हाँ बराक ओबामा बराक ओबामा। यार वैसे आप आधे घंटे में अगर पूछेंगे ये तो बेईमानी है। हाँ वो तो है लेकिन वो इतने प्यार से पूछे दिल ही नहीं कर रहा हूँ इधर उधर करने का। ये भी था। हाँ कसम से वो गाना सुन रहा हूँ ना तो इमेजिनेशन चल रही है जब मीरा सामने यूं यूं कर रही है। हाँ नहीं समझ सकते साउंड कुछ था और पिक्चर कुछ थी। साउंड तुम इस बात को नहीं समझ सकते। अच्छा ठीक है मेरे दोस्त। अब मैं पूछूं। हाँ। मैं पूछता हूँ। हाँ। मैं पूछूंगा तुम जी सर। अच्छा वैसे मीरा कोई एक लफ्ज पूछना है और लाउड। हाँ अच्छा तो यही तो काम है। जहर जहर तू जहर। हाँ अरे यार ये बड़ा तेज आदमी है भाई। ये वो वाला एक्टर है जो मुंह पलट के भी डबिंग कर दे। कसम से हमने वाकई ऐसी ऐसी मुश्किल तरीन काम किए हैं। लोगों की नजर में तो नहीं पता इन लोगों को कि हमें स्क्रीन दे देते थे उस पर पता नहीं हम क्या बोलते थे उसके बाद फिर हमें डबिंग करनी होती थी और समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोल रहे हैं। ये होता है तो चले लगाए ना मीरा जी लेकिन फिर भी आप जल्दी डबिंग कर देते थे। हाँ ये बहुत जल्दी डबिंग तो पहले डबिंग कर देते थे। हाँ, ये माशाल्लाह तीन दिन तक वहीं होती थी। मैं एक घंटे डबिंग करके चला जाता था तीन दिन बाद पता लगा था वो अभी तक मीरा डबिंग कर रही है। मैं वही वाली। हाँ वाह होता है हालांकि मैं अब ऐसा हो गया हूँ। लगा लें कान आवाज आ रही है मीरा जी। मीरा जी बेईमानी नहीं होगी बेईमानी नहीं होगी। नहीं अब मुझे समझ में आया कि आप लोग बेईमानी करते हैं। अच्छा मैं तो इसलिए कि आप थोड़ा सा ना आप सही ये माइक नहीं लगाते। नहीं नहीं मैं हेडफोन सही लगा रहा हूँ आप लगाएं। नहीं नहीं छोड़ दें हेडफोन। हाँ बस एंजॉय करें बस ऐसे ऐसे निकल ऐसे अच्छा लग रहा है वैसे। नहीं ये नहीं होगा मेरा बस पक्का लगाएं। नहीं नहीं सही कान बाहर आज तक किसी ने बेईमानी नहीं की इस गेम में। हाँ पक्का। हाँ चलो सब पूछो। अच्छा मैं पूछूं। हाँ आराम से पूछना ज्यादा ऊंचा नहीं। साहिर धोबी साहिर लोधी साहिर लोधी इन लोनी सही बोल यार सादा नहीं पकड़ा जाता तू ऐसे बोल रहा है। मैं बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ इन लोनी
अमित नहीं बोल साहिर लोधी अभी यूं करके दिखा हाँ साहिर लोधी नहीं नहीं नीचे अबे मेरी यार बोली जो मर्जी कर हाँ साहिर हाँ लोधी साहिर हाँ साहिर हाँ धोबी लोधी लोधी साहिर लोधी साहिर लोधी नहीं सर कल तक खेलेंगे क्या पता नहीं हार मान लो नाइन साहिर लोधी साहिर लोधी अरे वाह गाना खत्म हो गया साहिर लोधी हाँ हाँ साहिर लोधी इतना मुश्किल नाम वैसे वो मुहावरा बहुत मुश्किल है नाम जी अब कौन पूछेगा मुझसे हाँ तुम पूछोगे ना हाँ ठीक है चीटिंग नहीं होनी चाहिए नहीं बिल्कुल ये चीटिंग नहीं करते मैं भी नहीं करता हाँ मैं धोखा मैं कर रहा हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ मैं बिल्कुल चीटिंग नहीं करता मैंने इसलिए अपने हेडफोन उतार दिए मुझे नहीं पता इसमें डायरेक्टर क्या बोल रहे हैं हाँ धोखा बिल्कुल नहीं होना चाहिए ये तो अन्याय है सॉरी ये क्या गाना खत्म हो गया मेरी तरफ गाना क्यों खत्म हो जाता है यस गाना खत्म हो गया साहिल लोधी बोला एक मिनट अच्छा इसको ना सही तरह आप कवर करें गाने को ये देखें फैसल धोखा नहीं होना चाहिए देखिए मैं चीटिंग नहीं करती प्लीज ना नो चीटिंग अच्छा हाँ आवाज नहीं आती मैं किसी को धोखा नहीं देती सीरियसली क्या अभी तुम मेरी लड़ाई कर रहे हो बैठ के नहीं नहीं रेडी ओके इंसानियत इंसानियत पढ़ लिया तूने इतना ज्यादा इंसानियत इंसानियत स्टाइल एक इंसानियत लसबेला इंसानियत लाइव शो है फैमिली देख रही होती है इंसानियत इंसानियत इज़राइल माफ कर दे इंसानियत फैसल तुम नॉस्टैल्जिया इंसानियत इशारा दे किसी का माफ कर दे तुमसे उम्मीद नहीं थी मुझे तुम तो कर सकते हो ओके इंसानियत इंसानियत इंसान का बच्चा बन इंसानियत 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 इतनी तो इजी चबा चबा के तो बोल रहा हूँ तोड़ क्यों रहा है सीधा बोल दे इंसानियत बोला था ना वो भी बोला था इंसान के बाद मैं परेशान हो रहा हूँ आगे इंसानियत इंसानियत सीरियसली मैं दो दफा ये समझा तू ऐसी बात बोल रहा है जो लाइव नहीं जा सकती ये तो आपकी अपनी सोच है ना माहौल ऐसा बना हुआ है ऐसा लगा है सुबह सुबह ऐसा माहौल बना दिया सीरियसली दो दफा इसने जैसे कहा ना इंसानियत या आप रिपीट पे स्लो करके देखिएगा जरा नियत नियत इंसानियत बोला था मैंने थोड़ा सा मुश्किल सच में आप चीटिंग ना हो धोखा ना हो तो फिर मुश्किल हाँ बिल्कुल लगाए मुश्किल था मुश्किल काम काम तो मुश्किल है मैंने ना है जरा वो पता गानों की तरफ दिमाग चला जाता है वो आप भूल जाते हैं सामने कौन क्या बोल रहा है गर्म है नहीं वो समझ लीजिए जहाज बढ़ाएगी अच्छा हाँ मैं पूछूं तो पूछेगा नहीं तुम पूछ लो तो मैंने भी तुमसे पूछा ना मैंने बंदर पूछा था तुमसे भी पूछा था मैंने अच्छा अभी पूछा तो ऐसा लोधी मैंने भाई हाँ मैं पूछता हूँ सही है मैं बिजी हूँ कैसे रहने दो भाई थोड़ी देर मैं बहुत बिजी हूँ आजकल मेरी बीवी भी शो देख रही होती है अच्छा अच्छा मेरी बीवी भी तोबा टेक सिंह दुपट्टा तोबा टेक सिंह दोबारा चल के आ दोबारा कौन चल सकता है टोबा टेक सिंह तो जोर से गाने बोल रहा है इनको एंजॉय करने दें हाँ हम दोनों आप सुने गाने हम दोनों ब्रेक पे जा रहे हैं ठीक है आप एंजॉय करें बल्कि कान में रख के ब्रेक बोलो हाँ इसको पहन के तुमने बोलना है आप देखते रहे सलाम जिंदगी हम वापस आते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाँ आप देखते रहे सलाम जिंदगी हम आते हैं आपको बहुत पसंद यार कोई एक हो तो बताओ तेरा शो कम पड़ जाएगा
देख भाई यार, असल में जो अच्छी बात मुझे लगती है ना इनकी सबसे ज्यादा, जो हट के है वो ये ख्याल नहीं करती किसी का। चल हट, वो जो दिल में है ना वो मुंह पे यार। ये तो बात है ना, बात जो है ना ये मुझे सबसे अच्छी लगती है। हाँ। कि कोई सेलिब्रिटी वाली बात नहीं कि यार मैं जरा कैमरे के सामने ये टिशन मशन ना। हाँ। जो दिल में ना साफ है मुंह पे, क्या बात, ये कमाल बात है। वाँ। कमाल बात, ये क्वालिटी होती है क्वालिटी। मीरा जी, आपको जब फैंस मिलते हैं आपको कैसा लगता है, जब ऐसे क्रेजी फैंस आपको मिल जाते हैं? तो अभी अफजल भाई आ गए आपके लिए दुबई से, वैसे ऐसे फैंस आते रहते हैं आपके पीछे? मैं यही कहूंगी कि अभी होटल फिल्म आ रही है, आप जरूर देखिएगा। होटल आ रही है, होटल फिल्म आ रही है। इनको बोले आज दुबई में शूट करें, मेरा अपना होटल है जी, आ जाए। होटल फिल्म जरूर देखने जाइएगा। अच्छा, मैं आपकी फिल्म मैं ना देखूं? हाँ। जी मैं तो सिनेमा में लगवा दूंगा। बड़ी अच्छी फिल्म है, उसमें थोड़ी सी स्टोरी सुनाओ। जी प्लीज। हाँ। शेयर करें। हाँ। गाना ना, आप लोग एक काम करें, आप लोग तो पकौड़े तल ले, हम जरा बात कर रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, कहानी कुछ इस तरह से है कि एक काशिका जो कि हिंदुस्तानी लड़की है जो दिल्ली में रहती है। हाँ जी। और उसके बाद वो अपनी उस बहन से उसकी मुलाकात होती है जिसने कभी दुनिया में जन्म ही नहीं लिया। ओह गॉड, होए सब हिंदी में। हाँ। बस एक मैं रिक्वेस्ट आपसे करना चाहता हूँ, पैदा नहीं हुई, आपने फिल्म जरूर देखी। मैं देखूंगा जी, मैं 100 दफा देखूंगा, आप परेशान ना हो। छोटी सी मैंने आपसे रिक्वेस्ट करनी है, 100 दफा देखेंगे। हाँ। मीरा जी की कोई अदा जो आपको, साउथ यार किधर रह गया तू, कसम से फैसल कैसा है यार, आज जिगर आजा आजा, साउथ अपना काका कैसा है लड़के, और तो कैसा है हाथ में वैसे, अरे कैसा है यार, बड़ा ही मजा आ रहा है यार, बैठ यार साउथ बैठ जा, फैसल आजा। वो ये कौन है जिसने मूछो ने इंसान रखा हुआ है? अरे यार, और नहीं बजाना? नहीं। और तूने नहीं बजाना? नहीं। और नहीं बजाना? नहीं। चल फिर मैं जाऊं। हां यार देख, और जब तू याद है जब हम छोटे छोटे से होते थे, और तुझे याद है जब हम छोटे छोटे से होते थे? तुम छोटे कितने होते होगे? ये छोटे हम इतने इतने थे। नहीं तो, इतने नहीं, इतने। अरे हाँ वो ऐसी है, वो मैं और सब बचपन के दोस्त है जी, वो बचपन में हमने जितना क्रिकेट खेल लिया ना साथ, आज तक हम खेलते आ रहे हैं। कहाँ मिला हूँ आपको बचपन में क्रिकेट में? अरे यार बस अब तुझे याद नहीं है, एक बार तू ऐसे सीन करा रहा था, पीछे बच्चे की रोने की आवाज आई थी। हाँ। बच्चा कौन था? लो ये था, आप थे। तब से आप दोनों की दोस्ती हो गई? अरे बड़ी दोस्ती है भाई। अच्छा वैसे ऐसा बच्चा ना जिनों के घर पे होता है। अच्छा, इतना बड़ा बच्चा। वो कहते हैं ना जिनका बच्चा आगे ले। फिल्म का नाम आशिकी खेल नहीं था। ये? फिल्म का नाम आशिकी खेल नहीं। बिल्कुल ऐसी होगा। आ, ये भी है, ये भी हमारे यहाँ होता है। और साउथ मेरी बड़ी दोस्ती है, और मैंने साउथ तेरी कोई फिल्म नहीं छोड़ी है। क्या मतलब? कोई फिल्म नहीं छोड़ी। मैं कल गया था सीडीओ की दुकान पे। हाँ। तेरी सारी फिल्में मैंने देखी है वहाँ। हाँ। मैं बॉलीवुड की फिल्म लेके आ गया उसके बाद। बहुत अच्छा किया। और मैंने कहा ये तो मैंने देख लिया है। बिल्कुल। अब मैं कोई नहीं देख लेता। हाँ। और साउथ मेरी बड़ी दोस्त, आप लोगों को नहीं यकीन आ रहा, और मुझे लग रहा है आप लोग मुझे समझ रहे हो मैं झूठा हूँ। मैं आप लोग को तस्वीरें दिखा देता हूँ। मैं खाली आते हैं, ओ भाई तस्वीरें दिखाओ इनको, हमारी हमारी तस्वीर ये देखो, ये हम पार्टी पे गए हुए थे, मैं ऑफिस से आ रहा था, साउथ ने कहा पार्टी है, मोमी और ये मैं। आपने नीचे क्या पहना हुआ? ये पार्ट नीचे पार्टी ड्रेस। ये देखो साउथ जब भी नाराज होता है मैं उसके पास होता हूँ, ये आंखों से आंसू, लेकिन मैं नहीं पास से गया, मैं बचपन का दोस्त हूँ यार। अच्छा। आ, एक और दिखाएं। और भी है, ये देखो इसमें कहाँ हैं आप? इसमें मैं रिक्शा चला रहा हूँ। ये हूँ मैं तस्वीर में, आगे हूँ कैमरे में नहीं आया। एक और भी है, एक और ये देखो साउथ अकेले, इसमें मैं देर हो गई थी, मैं आ रहा था अभी पहुंचे नहीं। दो मिनट बाद मैं तस्वीर में था। अगली दिखाओ भाई, दिखाएं ये देखो इसमें साउथ, मैं कहा हूँ भाई इसमें साउथ लेट हो गया था, साउथ आ रहा था। अच्छा। भाई कभी मैं लेट, कभी मेरा जिगर लेट, कोई तो लेट होगा ना भाई। एक बार भी है, ये देखो इसमें तो दोनों नहीं है, दोनों लेट हो गए। कैसा ये मेरा जिगर, बचपन की दोस्ती है, सब समझते हम लोग। हाँ। इसमें तो गाना भी है, बचपन की मोहब्बत को पचपन से जरब देना, जब याद मेरी आए एक और मिला देना। सुभान अल्लाह, है ना। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं। हाँ। मीरा जी भी हमारी बहुत पुरानी दोस्त है जी, बहुत पुरानी। एक बार मैं साउथ मीरा जी छुपन छुपाई खेल रहे थे, और मेरी आगे बारी आ गई, और मैं मुंह उठा करके छुपन छुपाई की गिनती गिनने लगा, ये दोनों जाके छुप गए, उसके बाद आज मिले मुझे। चल ठीक, पता नहीं जिधर छुप गए। आपको मैं याद नहीं हूँ। हाँ, कैसा कैसा साउथ,
तू नहीं मुझे पहचाना, वो पहचान गई। अब तो बता दे कि तू मुझे जानता है, उसको बता दे। क्या कहाँ कहाँ मिले थे भाई? कहाँ मिले? पॉइंट तो बताओ। ये जंगल में होंगे, जंगल जंगल में मिले होंगे। जंगल में नहीं, वो याद नहीं है यार। ये डिफेंस से ये वाली जो रोड जाती है, इधर नहीं खड़ा हुआ था मैं उस वाली रोड पे। उस वाली रोड पे तीसरा बंदा जिसके मुंह में सिगरेट था, कौन था वो? वो अच्छा आप थे वो? अरे यार, अरे यार। अच्छा ये मीरा जी के फैन है। अच्छा ये दुबई से आए मीरा जी को मिलने के लिए से। अच्छा दुबई से आए? हाँ। अफजल, अफजल क्या करता है भाई तू? मेरे जी ज्वेलरी का काम है, छोटा मोटा होता। किसका काम है तेरा? ज्वेलरी। ज्वेलरी यार, ज्वेलरी 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 मतलब मुर्गियां, सोना के काम, सोने सोने का काम है। हर वक्त सोते रहते तुम लोग। अजीब, ये कौन है भाई? ये सऊद साहब के कोई पुराने दोस्त भाई? नहीं भाई, ये मेरा नहीं है। यहाँ पे किसी ने पता नहीं इनको लाया था। यार सऊद भाई, इतनी इज्जत है आपकी, कहाँ दोस्ती कर ली आपने? और यार तुम लोग ऐसे मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो, मेरा दिल अब अजीब सा हो रहा है। ऑन एयर आ रहे हैं और मैं बचपन का दोस्त हूँ, मान लो यार। वो तो मान गया, तुम भी मान लो, खत्म करो बात को। क्यों मान लें यार जबरदस्ती? आपको क्या लगता है दोस्ती कम? ये जो मैंने मूछे उगाई है ये किसकी है? एक दिन मैंने इसको कहा, मैंने कहा सऊद तेरी मूछे बड़ी अच्छी, इसने उतार के मुझे दे दी। उस दिन से मैं लगा के घूम रहा हूं। यार तुम लोग पे तालियां बनती है। इतनी सी बात है। अच्छा सुनो यार फैसल, तू बड़ा गेम खेल रहा था, वो कानों में स्पीकर लगा। हमारे साथ नहीं खेलता? हमारे साथ क्यों नहीं खेलता यार? आपके साथ क्या खेलूं मैं? आप लोग शिकायतें इतनी करते हैं चीजों में। यार वैसे तू मुंह नहीं लाएगा, मैं पकड़ लूंगा। या वैसे तूने कहा था यार मैं अकेला ही हूँ शो पे दो के साथ, ये क्या यार? ये खुद आए भाई, मैंने नहीं बुलाया इनको। यार किसने? ओ भाई रस्सी किसने खोली इसकी? और रस्सी नहीं, मैं चेन से बांधते हैं मुझे। कैसी बातें कर रहे पागल भाई? यार ये तो एक अजीब डिस्टर्बेंस ही हो रही है। मीरा जी, मीरा जी अच्छी आप ही मुझे बताइए, इस तरह के फैंस जब आपको मिलते हैं तो उस वक्त आपकी क्या कंडीशन होती है? जो खामखा कहते हैं नहीं मुझे पहचाने, नहीं मुझे क्रिटिकल कंडीशन होती है। बस मैं कहती हूँ हाँ हाँ मिले थे ना, देखा हाँ भी मिले थे, हर सेट पे मुलाकात होती है। आपको अफजल साहब कैसे लगे? अफजल साहब तो बहुत स्मार्ट हैं। देखा, चले भाई आप लोग जाएं, शो खत्म हो गया है। चले भाई बात ही खत्म कर दी लड़की ने। चले भाई कोई बात नहीं। अफजल अफजल साहब की क्वालिटी है कि ये शर्ट तक बहुत अमीर लग रहे हैं और शर्ट से नीचे बहुत गरीब आदमी है। अरे भाई मैं ये असल में नए नए अमीर हो रहे हैं ना, तो अभी बाहर निकल रहे हैं। बात ऐसी नहीं है, बात सारी है कि मैं जब चला था ना मैं सूट में था। अच्छा फिर आपको नहीं पता हुआ क्या क्या है? यहाँ आने था अभी आधा घंटा और लेट होता तो निकर पहनी होती मैंने। शुक्र है आप जल्दी आ गए, टाइम पे ही पहुंच गया। नहीं शुक्र है जल्दी पहुंच गए। हाँ जी जल्दी पहुंच गए, टाइम पे निकर से याद आ गया हमारे बचपन की बातें। ओ बचपन में साउथ ने बड़ी लड़कियां फसाई हैं जी है? बड़ी लड़कियां फसाई हैं। दर्जी की दुकान पे होता था। अच्छा छोटे साइज के कपड़े थे, लड़कियां फंस जाती थी उसके अंदर, बड़ी लड़कियां फसाई हैं इसमें। उसके बाद उसके बाद जाके फिर हमने कहा साउथ जाके फिल्में कर यार। हाँ। और मैं उसको फिल्म पे लेके गया, उन्होंने मुझे रख लिया। और मैंने कहा नहीं भाई मेरा भ्रा मेरे फेस्टिवल में जहाँ 200 फिल्में थी मुझे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड मिला और इसके अलावा बेस्ट फिल्म का अवार्ड, और मैंने दो अवार्ड्स जो हैं अभी जीते दिल्ली फिल्म फेस्टिवल में। और एक और पाकिस्तान के लिए एजाज की बात है कि ये फिल्म जा रही है कैंस फिल्म फेस्टिवल में। कांस में भी जा रही है? वाह, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। तो इंशाल्लाह ताला ऑस्कर में भी कोशिश है, अभी दो ऑस्कर तो ले लिए पाकिस्तान ने, इंशाल्लाह हम भी कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, आप इंशाल्लाह आप साउथ लोग नहीं लेकर आएंगे ऑस्कर तो और कौन लाएगा? हमारी कोशिश तो है कि क्यों नहीं। बिल्कुल मैंने भी अभी एक फिल्म की थी उसमें मुझे एक अवार्ड मिला था, ये तारिक रोड पे मिला है, 1000 रुपये लिया मैंने। फिर मैंने एक वहाँ से सदर से लिया, दो अवार्ड मिले मुझे, दो मिल गए, महंगे पड़े लेकिन ले। मैं भी 3-4 अवार्ड लेना चाह रहा हूँ भाई। आजकल तो ऐसे ही हो रहा है। नहीं नहीं साउथ को बहुत अवार्ड्स मिले हैं, हमें तो माशाल्लाह खिलौना की मिला है। हसन असरी की जो फिल्म थी, और दिल किसी का दोस्त नहीं, हाँ दिल किसी का दोस्त नहीं, और साउथ ने बहुत बेहतरीन काम किया पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री। बिल्कुल थैंक यू। और बहुत सारे बहुत अवार्ड, इसलिए सॉरी कर रहा हूँ बिकॉज हम दोनों जरा बहुत अच्छे दोस्त हैं। हाँ, हमारी फ्रेंडनेस जरा कुछ और होगी। बल्कि मीरा जी के साथ मैं उतना फ्री नहीं हो सकता, मीरा जी क्या करूँगा। मुझे खुशी हुई जब शो से पहले मीरा ने बताया कि आपके शो में आ रही हैं, तो मैंने कहा आप भी आ रही हैं? कहती हाँ, मुझे कह लेंगे अभी फैसल बुखारी का शो है, तो मैं बड़ा खुश हुआ कि माशा तुम्हारे शो फैसल कुरैशी कुरैशी बुखारी क्या हो गया तुझे यार?
फैसल कुरैशी हैं सब। नहीं, ये सऊद गलत नाम ले रहा है। अच्छा, वो मजाक कर रहे हैं। फिल्म तो मैं बता रही थी कि सऊद ने इतना अच्छा काम किया, इन्होंने जितना भी काम किया और अभी भी कर रहे हैं माशाल्लाह। फिल्म में हाँ हाँ, तो और क्या बात हो। सऊद में फिल्म में ही आपकी तारीफ कर रही हूँ, आप फिल्म नहीं, ऑब्वियसली अभी हम प्लान कर रहे थे। अच्छा जी, मुझे चले, ये फिल्म की बातें हम बाद में करेंगे। हम बात करते हैं बिकॉज बहुत सारी खवातीन आपको देख रही हैं, सुन रही हैं। मीरा की सुबह कैसे होती है? मीरा की सुबह अच्छे कपड़ों से, एक्सरसाइज से, नमाज से, मोहब्बत से, प्यार से, सलाम से, दुआ से, आदाब से, और काम से, प्लानिंग से, मैनेजर की कॉल से। मीरा जी, मैनेजर की कॉल, मम्मी की कॉल, बहनों की कॉल, माशाल्लाह 6 बहनें। ये इतना कुछ कितनी देर में मैनेज हो जाता है? बस सुबह सुबह सब सब कुछ, ये सारा कुछ 7-8 में पैक। मम्मी की कॉल, फिर अब्बू की कॉल, फिर बहनों की कॉल, और फिर बस। और अगर सुबह सुबह मूड खराब हो तो? मूड खराब नहीं होता। किसके साथ बुरा होता है? सारे घर वालों के साथ। ओहो, सऊदाई, अगर आपका मूड खराब हो सुबह सुबह तो आप क्या कर रहे होते? नहीं, आपने मेरे पूछे नहीं मेरी सुबह कैसे होती है। वो तो पता है मुझे, मेरी सुबह ऐसे होती है। चाय ले आओ, चाय ले आओ, चाय ले आओ। उसके बाद चाय ले आओ। चली गई जवेरिया, चली गई। अच्छा, चली गई, ठीक है, चाय ले आओ। वो भी माशाल्लाह से सुबह सुबह निकल जाती है काम पे आपकी तरह, मुझे पता है ना। सोचो कितना सुकून होता होगा घर में। अच्छा, इंडस्ट्री में आने से पहले मीरा कैसी थी? जैसी हूँ ऐसी। हाँ, नहीं होता है ना, मतलब आराम से बाजार में जाती होगी, घूमती फिरती होगी, कहीं भी जा सकती होगी। अब तो उस तरह मीरा निकल ही नहीं सकती ना, और ना कहीं इधर उधर आज़ादी के साथ घूम सकती है, या बुर्का करके निकल जाती हो तुम भी, हमारी बहुत सारी एक्ट्रेसेस की तरह। अगर आप सच पूछें तो होती है किसी को पता ना चले। मुझे सच पूछें तो मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा, मुझे कुछ याद नहीं है बचपन का। अच्छा, मुझे सब कुछ अगर याद है, जो मेरी मुझे मेरी यादें हैं वो फिल्म इंडस्ट्री से हैं। फिल्म इंडस्ट्री। अच्छा। और मेरी जो बातें हैं, मैं फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ और थी और हमेशा रहूंगी। अल्लाह करे। लेकिन ये है कि बचपन की बातें, बचपन की बातें उसके लिए आपको बुलाना पड़ेगा। पुरानी बात है तुम्हारी? नहीं नहीं, बिल्कुल। मैंने कहा उस शो के लिए अम्मी को, मेरी टीचर्स भी हैं, मेरी अम्मी हैं, बहनें हैं मेरी, भाई हैं, और फैमिली में मेरी और सारे फैमिली मेंबर्स, तो मेरी टीचर्स। मैं चाहती हूँ कि जिस तरह मैंने एक शो देखा आपका, जिसमें हुमायूं सईद वाला, हुमायूं सईद वाला, वो बहुत अच्छा शो था, बहुत अच्छा शो था। थैंक यू। तो हुमायूं भी जाते हुए आपकी बहुत तारीफ कर रहा था। कह रहा था मीरा को बुलाओ, मीरा को बुलाओ। मैंने कहा मैं इतने मैसेजेस, इतने फोन कॉल्स आ रही हैं मीरा के लिए, सो बिल्कुल हम मीरा को बुलाएंगे। मैंने मैसेज किया था, मैंने कहा आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन शो था। वाह वाह, आपने देखा था सब? यार मैं चैनल चेंज नहीं कर सकता उस पर, नहीं मजबूरी है। अच्छा, रात को रिपीट में देख लेते? रिपीट में भी देखना पड़ता, 2 दफा देखता हूँ शो में। भाई यार ये जाती है। वैसे देखो थोड़ा सा दोस्तों का भी होता है यार। मैं YouTube पे देख लूंगा भाई, नहीं कहीं कोने में बैठ के। YouTube पे भी मेरा शो देखो तुम, ये तो नहीं होता? नहीं नहीं, मैं ऐसा सीन नहीं है, मजाक कर रहा हूँ। अच्छा, साउथ टोटली एक ऑपोजिट फैमिली फिल्म इंडस्ट्री से। बिल्कुल। क्या रिएक्शन था जब पता चला कि सऊद कासमी फिल्म इंडस्ट्री में आ रहा है, तो क्या रिएक्शन था? नहीं, ऐसा कोई रिएक्शन नहीं था। हैं? ऐसा नहीं था। अच्छा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल है सर। ठीक है। हाँ। काम को काम की तरह समझा हुआ है। सिंपल, जो इसकी सिंपल वर्ड ये है कि दीन और दुनिया दोनों लेके चलना है। ठीक है, ना आप एक्सट्रीमिज्म पे चले जाएं दीन में, और ना आप दुनिया में एक्सट्रीमिज्म पे चले जाएं, दोनों को बैलेंस लेके चलें। ठीक है, और यही होना चाहिए। अल्लाह ने जब दुनिया भेजा तो कुछ तो करना है। बिल्कुल। हाँ, तो दीन दुनिया लेके चले। लेकिन कोई रिएक्शन नहीं आया, मतलब। लेकिन पुराने रिश्तेदार तो निकल आए होंगे बहुत, और है ना वो तो बहुत। अरे तू तो भांजा है, तुझे पता ही नहीं है। है, वो आए होंगे 5-6। नहीं नहीं, हमारे तो जब माशाल्लाह से फैंस आ रहे हैं यार हमारे, देखो हर तरफ छाए हुए हैं। पी जाए। अच्छा हाँ। सर आपके पास आइए, कुछ दे दें ब्रेकफास्ट। जी बहुत सर, क्या बनाया आपने? मैं एक मिनट आ रहा हूँ। तीनों के लिए जबरदस्त, मैं आपके किचन को रौनक बख्शूं। मेरा जी जी, आइए नजर आपको किचन तक तो लेके चलें। किचन में
और मैं आपको बताऊं, मैंने इनका एक शो देखा था, कुकिंग शो, बहुत अच्छी कुकिंग की थी मीरा ने। अच्छा, मीरा ने? यार मीरा, आप हमारे शो पे कब बना रही हैं खाना? मैं खाना आए ना किचन के अंदर। अच्छा, आए ना। लास्ट टाइम किचन में आप घर में कब गई थी ये बताइए। ट्राई करेंगे इसको? हाँ। अच्छा, मैं ये खाऊं? हम खा लेते हैं हम लोग। शेफ सादत का तो लोग बड़े, सादत भाई उंगली दूर, अचानक लाल नहीं हो गया? मैंने अपनी उंगलियां भी दूर कर ली है। अच्छा, मैं इसको खाऊं? कोशिश करें। जी जी जी, नहीं पापा ये चाह रहे हैं कि मैं इसको खाऊं। मैं कोशिश करें। जी हां, कोशिश करें। अच्छा, मैं ट्राई करती हूं। माशाल्लाह, मुश्किल काम है लेकिन हो जाएगा। ये तो कच्चा है अभी, क्यों खा लिया? नहीं नहीं, पका हुआ है। नहीं नहीं नहीं, इसमें बीमारी नहीं होती। सही है, वेरी टेस्टी। चीज है, चीज तो मोटा नहीं करेगी ना आपको? मीरा को कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। नहीं मोटा नहीं। आज फैसल कुरैशी के शो में आए हैं तो। हां, वैसे सुबह तो आप जूस से स्टार्ट करती है ना? हां जी, बिल्कुल, जूसेस। कैरेट और एप्पल मिक्स बड़ा जबरदस्त जूस होता है सादत भाई। और मैं तो कहता हूँ लोगों को, सादत भाई ये क्या है? ये मैदा है। ये मेरा, ये क्या है? ये वो पिंक ग्रेप्स है मेरे ख्याल से। पिंक नहीं, वो है ना अंडा है, क्या कहते हैं उसको, क्या है? व्हाट डू यू कॉल? यार इतना ड्रैग कर रहे हैं सादत भाई यार आप। सुबह सुबह चले आए बैठे, मैं आप ये लिस्ट है। चिकन, नमक, मैदा, अंडे, ये ले चले, तेल खा ले हम लोग।